जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही सब जोर से कहेंगे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे। विश्वास से, विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी सुबह पे रहे। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी सुबह पे रहे। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। हालेलुया, चल बोलो, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम। कितने लोग बोले, अगर आज आप कहीं पे भी परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि प्रभु जी मेरे साथ क्या हो रहा है, ये मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्या मैं जीत पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि तथ्य बदल सकता है लेकिन सत्य नहीं बदल सकता। अगर आज आपके जीवन में तथ्य है, फैक्ट है कि आप नहीं जीत पाओगे, लेकिन प्रभु का वचन नहीं बदल सकता। वो हमें विजय दिलाने वाला परमेश्वर है, वो हमारा निश्चित परमेश्वर है, और आप जरूर विजय पाओगे। जहाँ पे आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहाँ पे आप निराशा में हो, जहाँ पे जिस भी बातों में हो, आपको प्रभु विजय दिलाने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। विश्वास से मैं चलता रहूं, तेरी आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ूं। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी सुबह पे रहे। तेरे ही वचन दिल में रहे, मेरी सुबह पे रहे। जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे, सरहद है वो जो मिट जाएंगे। ऊंचे पहाड़ टल जाएंगे, सरहद है वो जो मिट जाएंगे। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, कुछ पे विश्वास यीशु। नामुमकिन को मैं मुमकिन करूं, कुछ पे विश्वास यीशु। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे, जोर से चल। जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, यीशु में ही जीतेंगे हम। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान,
आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा तू, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा तू। डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। जोर से जोर, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा रे सब कुछ संभालेगा तू, यहोवा रे सब कुछ संभाले। एक और बार बोलेंगे, यहोवा रे, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा तू, यहोवा रे, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा तू। डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण वाला खासे के तेरे आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, यीशु मौजूद है। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद। उसकी महिमा, उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
उसकी महिमा करो, मन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। यहोवा तेरे सब कुछ संभालेगा तो, यहोवा तेरे सब कुछ सब संभालेगा राजा, यहोवा सब कुछ सब कुछ सब कुछ संभालेगा, यहोवा रे सब कुछ संभालेगा तो, डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं घबराएंगे नहीं, यीशु मेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, आत्मा से स्तुति करूंगा, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, जितने कंगाल हैं जितने कंगाले हैं अमीर हो जाएंगे, मेरा यीशु सारा कर्जा जा रहा है, हालेलुया सारा कर्जा जा रहा है, हो जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है हमारे बीच में, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ, क्यों डरा, मैं क्यों डरा, हालेलुया मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों, हालेलुया रास्ते थे मेरा परमेश्वर मेरे साथ, वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद मेरे घर में मौजूद है, मेरे घर में मौजूद, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है आपके विवाह में, आपके परिवार में, आपके व्यवसाय में, वो मौजूद है, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो
मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मेरे घर में मौजूद है, वो मेरे परिवार में मौजूद है, मेरा प्रभु अभी मेरे घर पे मौजूद है। चर्च, जब एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आया और वो बोला कि मेरा दास बीमार है, यीशु मसीह ने कहा जा, बोला कि मैं तेरे साथ चलता हूं, उसने कहा नहीं, एक शब्द कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं परिधान मनुष्य हूं, जिसको बोलता हूं जा तो वो जाता है, जिसको बोलता हूं आ तो आता है, लेकिन तू एक शब्द कह दे और मेरा दास चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह बोलते हैं कि जा, तेरा दास चंगा हो गया। आज यीशु मसीह हमारे अंदर से बोल रहा है, मैं मौजूद हूं तेरे परिवार में, तेरे घर में, तेरी परिस्थितियों में, तेरे परिस्थितियों में, आमेन। और जैसे आप विश्वास से आगे बढ़ेंगे, आप सारे कोड़ को अपने परिवार से जाता हुआ देख लेंगे। हालेलुया। वो 10 कोड़ी आई यीशु मसीह के पास और यीशु मसीह ने बोला तुम क्या चाहते हो, और आज यीशु मसीह हमारे अंदर में है, जो हम चाहते हैं वो बोल रहा है कि हो जाएगा, जा करके अपने आप को याजक को दिखाओ। आमेन। और आज आप याजक के पास आए हैं, आज आप चर्च में आए हैं, आपका सारा कोढ़, सारी बीमारियां, सारी टेंशन, सब यीशु मसीह अपने ऊपर ले रहा है। आमेन। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, रबा रबा मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ, मेरे आगे आगे चलेगा, वो साथ रहेगा, मेरे आगे आगे चलेगा, वो साथ रहेगा, उन तेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा, उन तेरियां लड़ाइयां मेरा रब लड़ेगा। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, धन्यवाद यीशु जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रह्मा रिबारा जिवारा रिबारा, ओ नमस्ते केरियांदा संदा रे 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 रे। चर्च, अपने आप को समर्पित कर, प्रो काने रे 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 रे, मैंने सीखी 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 रे, ra ra ra
Sajda karu, hey Yeshu, sajda.
खुशी मिलती है तेरी उपस्थिति में जब तेरे साथ रहता हूँ। महिमा मैं दू, महिमा मैं दू यीशु, महिमा मैं दू स्तुति करूं, स्तुति करूं रे बाले बा, स्तुति करूं हो रमा से तेरे रे शेरी आंदारा शेरी आंदेरे आए हैं तेरे चरणों में स्तुति करने आए हम, आए हैं तेरे चरणों में स्तुति करने आए, सजदा करूं श्याम रखा जी नाम रस सजदा करूं हे यीशु, सजदा करूं महिमा मैं तू, महिमा मैं तू सजदा करूं हे यीशु, सजदा करूं जरीरे रुबु शररा लब्रो जरे ररा शुखो लम्रा रुबु जरी ररा हो जंबार रे रुबु जिम्बी लमा रुबो ओ रे रे शररा लम्रो La
labriki rabuku zambata lambadi rana soboto labriki dabuku danama kaze lamikiriki labuku ziki o ribiki tala boko zala labu zili lala kutu ramaha labroko labhe labu lamaka labroho zararaha lelelele rubu zararaha ramu zererehe rororoho o zalaha ribir habu ramaha rumu zerehe rabuku rabu ruhu zale rubu o riyaha lalu zererehe o riyantho rubu kushto adbut horachosh lazilele lalu zaleha o rubu zerere o riyar rubu zere वही महिमा का बादल आपके अंदर है चर्च लजू रुमो जिले लबरो को जमा रे रमा को डिकी डला लबू को से लबरो यीशु मसीह आपके अंदर है, वो बाहर नहीं है, किसी और के अंदर नहीं है, बल्कि आपके अंदर है। लजू लुबो सिखे लबरो कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। लमो जिले लरो लबरो सिखे रबो रो रो रोबो रुसी। जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जब परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हर एक बड़े से बड़े पहाड़ पिघल रहे हैं। लबू जिरी रना नमो कुसी की लिफ्रा का जम्रा का डिब्रो को जेके ठालाबा को सोको लम्रा का जेके तेरे बे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते डैडी, अभी इसी वक्त डैडी पिता सबके ऊपर आपके कंट्रोल को बोलते डैडी, आपके प्रभुता को बोलते डैडी। इसी वक्त आप हमारे जीवन में राज और शासन करें, आप हमारे ऊपर प्रभुता करें। हम देख नहीं पाए जो आपने रखा है, हम देख नहीं पाए जो आप देखना चाहते हैं, जो आप हमें दिखाना चाहते डैडी, हम वो देख नहीं पाए। हम वो ना देखें जो हमारी संसारिक आँखें देखती, जो हमारे कान संसारिक सुनते डैडी, बट हम वो सुनने पाए, हम वो देखने पाए जो आपकी आत्मा में दिखाना चाहती डैडी। हम धन्यवाद करते डैडी, धन्यवाद करते डैडी आपकी सुंदर उपस्थिति के लिए डैडी। आप मौजूद हैं यहाँ पे, आप हमारे अंदर से बह रहे हैं, आप हमारे अंदर से बह रहे हैं डैडी। हम धन्यवाद करते, हम धन्यवाद करते डैडी रुबु गुजी की टीरे पे। पिता, हम धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, आप सभी लोग बैठ सकते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या आपको विश्वास है जब यहाँ से जा रहे हैं आप पुराने नहीं नए बन के जा रहे हैं? जिसको विश्वास है कि आप पुरानी नंदनी नहीं नई नंदनी बन के जा रहे हैं, नए विश्वास बन के जा रहे हैं, नए अमन बन के जा रहे हैं, वो बोले हालेलुया। जिसको विश्वास है कि वो नया बन के जा रहा है, वो बोलेगा हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर महान है और उसकी करुणा सदा की है, आमेन आमेन। आज जब मैं आ रही थी, पानी गिरना स्टार्ट हो गया था, 3:30 बज रहे थे, पानी गिरना स्टार्ट हो गया था, और हमारी बुद्धि कह रही थी कि बहुत दूर तक के बहुत ज़्यादा प्रदेश पानी गिर रहा होगा, और हम लोग ने सोचा थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा वेट कर लेते, शायद पानी रुक जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे, शायद पानी थोड़ा कम हो जाएगा फिर हम लोग निकलेंगे। बट अंदर से आवाज़ आई, रेनकोट तो है ना, जा थोड़ा दूर, थोड़ा वेस्टलैंड तक के जाओगे तुम लोग, वहाँ से बंद हो जाएगा। पर वहाँ नहीं बंद हुआ, रांची तक के मिला, GCF तक के मिला। मैं बोली प्रभु ऐसा क्यों, आप तो बोल रहे थे कि रेनकोट पहनो और निकलो, और आधी रास्ता भी नहीं रुका, ये तो रांची में भी मिला, GCF में भी मिला, और फिर आगे आगे धीमा धीमा चलते गया। फिर मैं बोली प्रभु आप क्या बात करना चाह रहे हो? तो चर्च एक ही बात, एक ही आवाज़ मेरे दिमाग में अंदर गूंज रही थी कि जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में स्टेप नहीं करते, जब तक हम डिसाइड नहीं करते कि हमें ये चीज़ चाहिए, जब तक हम परिस्थिति को देखते हैं कि तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत दूर का रास्ता है, हम नहीं पहुंच सकते, जब तक हम अपनी दृष्टि से ये देखते हैं कि ये जो परिस्थिति है वो बहुत बड़ी है, पहाड़ के समान है, तो वो पहाड़ ही बना रहता है।
और जब हम एंटर करते हैं और जब हम डिसीजन ले लेते हैं कि नहीं यीशु मसीह हम तुझ में होके सब कुछ कर सकते हैं, और जैसे ही हम एक डिसीजन लेते हैं और यीशु मसीह के पीछे चले जाते हैं, वैसे ही परिस्थिति छोटी 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 और वो पहाड़ जो होता है वो एक चूहे की नाय नजर आने दिखता है। आमेन आमेन। तो वैसे ही चर्च, जब हमारी परिस्थिति, हमारे जीवन की परिस्थिति कुछ ऐसी होती होगी कि हम जब दृष्टि करते होंगे, जब हम देखते होंगे वो परिस्थिति, बीमारी, कर्जा, पैसों की तंगी और आपकी शारीरिक कमजोरी, वो आपको पहाड़ की नहीं बड़ी दिख रही होगी, बट जैसे ही आप डिसाइड करते नहीं मुझे यीशु मसीह के साथ चलना, यीशु मसीह मेरे अंदर है चर्च, वैसे ही वो पहाड़ जैसी सिचुएशन, वो पहाड़ जैसी परिस्थिति वो चूहे के सम्मान हो जाती है। आमेन आमेन। अगर यरियो की दीवार जब वहाँ पर टूटने वाली थी, वो लोग डिसाइड नहीं करते और वो आराधना नहीं करते, वो परमेश्वर को बड़ा नहीं करते, वो प्रेज एंड वर्शिप नहीं करते, शायद वो दीवार गिरती ही नहीं। आमेन। वो शायद दीवार गिरती ही नहीं, बट जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया, जैसे ही वो लोग आराधना करने लगे, उसके चक्कर लगाने लगे, वो दीवार गिर गई। तो आज चर्च हम ये डिसाइड करेंगे, जब हम यहाँ से निकल रहे हैं, आपकी परिस्थितियाँ चूहे की नाई बन रही है, आपके वो बड़े पहाड़ वो पिघल रहे हैं, आप जब यहाँ से जा रहे चूहा नहीं, एक शेर नहीं बन के जा रहे, आप एक शेर की तरह दहाड़ेंगे और वो परिस्थितियाँ सब की सब नीचे गिरते जाएंगे। आमेन आमेन। जैसे पौलुस और सिलास जब बंदीगृह में बंधे हुए थे, अगर वो सोचते हम तो बंदी बन चुके हैं, अगर वो सोचते नॉर्मल सेवक की तरह कि हम तो परिस्थिति से बंधे हुए, अब कुछ नहीं हो सकता, अब हम बंधे हुए जकड़े हुए, अब हम परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते, हम यहाँ से नहीं निकल सकते, तो वैसा ही होता, बट उन्होंने विश्वास किया, स्टेप लिया, डिसीजन लिया और बोला, परमेश्वर की आराधना करने लगे, अचानक स्वर्गदूत उतरा, मार्ग खुला और वहाँ से वो लोग निकल गए। वैसे ही चर्च आज हमारा जीवन है, आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है, आपको डिसाइड करना है कि मुझे परमेश्वर को देखना है, आपको डिसाइड करना है कि आपका परमेश्वर बहुत विशाल है, आपका परमेश्वर बहुत बड़ा है, और परमेश्वर का वचन कहता है ना, जो इस संसार में और जो तुम्हारे अंदर वो सबसे बड़ा है। आमेन आमेन। तो आज से आपको क्या देखना है कि जो आपके अंदर है वो सबसे बड़ा है, जो इस संसार में उससे बड़ा है। आमेन। तब जाके आपकी परिस्थितियां सब पिघलती जाएगी। आमेन। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। लबरा का जी की टी की टी नमा को जोब्रो जली लला लुभू को जाखट अलाबा को सुगो। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं डैडी आज के वचन के लिए। डैडी पिता, जो बहुत ही आग में हो के निकलने जा रहे डैडी, हम धन्यवाद करते डैडी। हर एक जो ऑनलाइन देख रहे डैडी, जो यहाँ पे है डैडी पिता, इसी वक्त उनको आपके लहू में कवर करते, उनके आत्मिक कान खुल जाए, उनकी आत्मिक आँखें खुल जाए, उनके हृदय खुल जाए, और जो भी वचन यहाँ से बोया जाता है वो हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए डैडी। पिता आपके दास को हम ब्लेस करते डैडी, जब वो यहाँ आते एक धधकती हुई आग उनके अंदर से निकलने पाए डैडी, हम धन्यवाद करते डैडी, हम ब्लेस करते आज के दिन को डैडी, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर के दास, परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के अभिषेक दास को हम बुलाएंगे कि परमेश्वर के वचन को वो हमारे सामने रखे, जो परमेश्वर ने उनसे बातचीत करी है, जो भी उनका अंदर है वो आज यहाँ पे उंडेले। आइए हम अभिषेक भैया का को वेलकम करेंगे। यीशु जिंदा का हमारा अभिषेक भैया, यीशु जिंदा हमारे, उनको वेलकम करेंगे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय, बोलो यीशु राजा की जय। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। कृपया करके खड़े हो जाएं। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित हैं? देखिए, यदि आनंद नहीं तो प्रभु नहीं, यदि आनंद नहीं तो प्रभु नहीं, ठीक है कि नहीं? एक बार मेरे साथ बोलेंगे, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है,
यीशु राजा है, यीशु राजा है। इससे पहले कि आप बैठें, ठीक है कि नहीं, देखिए बाइबल बताती है प्रभु में परिश्रम किसी भी रीति से व्यर्थ। तो अब जितने लोगों ने चिल्ला लिया है, ठीक है कि नहीं, जितने लोगों ने गा लिया है उनके लिए एक गिफ्ट है, ठीक है कि नहीं, उन्होंने अपने कंठ को इस्तेमाल किया है, उन्होंने आवाज को निकाला है, ठीक है, तो उनके लिए गिफ्ट है। कितने लोग गिफ्ट लेना चाहते हैं? लेके जाएंगे कहीं छोड़ के जाएंगे? ठीक है कि नहीं, जल्दी से निकालेंगे। एक जन यशायाह नबी की किताब 41:17-18 वचन चिल्ला के पढ़ देंगे। जाऊंगा जहां मैं जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए। हाँ, ध्यान से सुनिए, हाँ, फिर से एक और बार। जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए नहीं मिल रहा है, हाँ, और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए। हाँ, उनका जो गला है वो प्यास के मारे सूख जाए। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ और उनकी क्या करूंगा? विनती सुनूंगा। मैं इज़राइल का परमेश्वर, आपका परमेश्वर, यहाँ जितने मौजूद हैं उन सब का परमेश्वर हूँ। उनको नहीं त्यागूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियाँ, सुनिएगा इस लाइन को, मुंडे टीलों से भी नदियाँ और मैदानों के बीच में से सोते बहाऊंगा। कहाँ से? मैदानों से, टीलों से, इन तमाम चीजों से नदियाँ बहाऊंगा। आगे, मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को, जहाँ पर बिल्कुल भी जल नहीं है, सोते ही सोते कर दूंगा। मैं यीशु मसीह के नाम से ये प्रोफेटिकली रिलीज करना चाहता हूँ। आप बहुत समय से, हो सकता है मांगते मांगते, प्रार्थना करते करते, बहुत समय से आप किसी चीज को मांग रहे हैं, और किसी चीज के विषय के लिए, किसी बात के लिए यदि आप परमेश्वर से मांग रहे हैं और आप मांगते मांगते थक गए हैं, आपका गला सूख गया है, आपके साथ नहीं हो पा रहा है, यीशु मसीह के नाम से हर एक असंभव बात, हर एक असंभव चीज, हर एक असंभव वस्तु यीशु नासरी के नाम से वो संभव होने जा रही है। हर एक बात, हर एक चीज संभव होने जा रही है, और आप उस चीज को देखने जा रहे हैं। आमेन, आमेन। कृपया करके बैठ जाएं। लब्रमा माशाल्लाह थकारी हलरा बाबा शांदुलु रुबबो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अद्भुत समय के लिए, इस अद्भुत पल के लिए। और देखिए, जिस वर्ड को अपन ने रिलीज किया ना, सच में वो मेरे लिए है। अपने बगल वाले से बोलो कि वो मेरे लिए है। ठीक है, अब उसको बोलो ये आपके लिए है। ठीक है, तो आपने जो दिया वो आपको मिल गया, जो आपने दिया वो आपको मिलेगा। ठीक है कि नहीं, यदि उसने नहीं बोला है तो दोबारा बोल दीजिएगा। ठीक है, चलिए, मतलब कुछ लोगों ने नहीं बोला था उधर, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, हम परमेश्वर हमारे जीवनों में अच्छी चीजों को रखा है और अच्छी बातों को रखा है, और परमेश्वर के अच्छे से अच्छे वादे हैं, लेकिन बहुत बार, ठीक है कि नहीं, एक क्वेश्चन से आज हम शुरू करते हैं कि बहुत बार क्यों बहुत, देखिए कितने लोग शैतान को जानते हैं? नहीं जानते? बाइबल बोलती है हम उसकी शक्ति और उसकी युक्ति और उसकी योजनाओं से अनजान नहीं है, तो हम जानते हैं वो कैसे वार करता है। बहुत बार देखा ये जाता है कि बड़े बड़े प्रभु के दास, बड़े बड़े प्रभु के सेवक लोग भी शैतान के उस बातों में आ जाते हैं, शैतान के उस चुंगल में आ जाते हैं। आखिर क्यों? देखिए, हम सब जानते हैं, संडे स्कूल के बच्चे लोग से लेकर के बड़े तक, यूथ में भी एक गीत को गाया जाता है, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है, हारा हुआ शैतान मेरे नीचे है। ठीक है, सबने सुने ना ये गाना, लेकिन बहुत बार वो आपके ऊपर कैसे हो जाता है? एक कभी सोचा है, एक हारा हुआ व्यक्ति जो हार चुका है वो विजयी नहीं है, शैतान विजय, अपने बगल वाले को बोलो, शैतान शैतान विजयी नहीं है, विजय नहीं है, शैतान शैतान
हारा हुआ है, हारा हुआ है। लेकिन बहुत बार देखा जाता है, सुनिए 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 सुनिए, बहुत बार देखा जाता है कि शैतान हमारे ऊपर प्रबल हो जाता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है, हमें कहीं ना कहीं से डिस्टर्बमेंट कर देता है, हमें कहीं ना कहीं से गिरा देता है, हमें कहीं ना कहीं से कमजोर कर देता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या शैतान के पास ज्यादा ताकत है? नहीं। क्या शैतान के पास ज्यादा पावर है? नहीं। फिर क्यों शैतान इतना ज्यादा काम कर रहा है, और एक दो चार पांच नहीं परंतु हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, और तो और करोड़ों की तादाद में यदि हम देखें तो शैतान के शिकार, शैतान की गिरफ्त में आए हुए लोग पाए जाते हैं, विश्वास करते हैं। अभी मैं जिस परिवार से आ रहा, उस परिवार में जितने रहे सिस्टर को छोड़ करके बाकी सब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे, सब दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। और जैसे ही वहाँ पर छोटा सा प्रार्थना किया, धड़ 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 होने लगे और छुटकारा हो गया, और वो आकर के बोलती भैया आप आओ हमारे साथ और हम ये अपना पूरा जो मट्टी का सामान है और ये सब हमारा भक्ति का निर्माण है इसको अपन ले चल के सिरा देते हैं। मैंने कहा ये मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको बताना, आपको दिखाना कि यीशु जिंदा है। वो लोग नहीं जानते कौन है यीशु, वो लोग नहीं जानते, बस उन्होंने पता नहीं कहाँ से फ़ोन किया और उन्होंने बुलाया और मैं गया, ठीक है कि नहीं? जस्ट अभी की बात बता रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है नहीं? मैं क्या बता रहा हूँ, क्यों अधिकतर शैतान की गिरफ्त में, शैतान के कब्जे में लोग पाए जाते हैं? देखिए यीशु से बढ़कर और कुछ नहीं है, ठीक है कि नहीं? उसके सिवा और कोई है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी शैतान इतना ज्यादा क्यों कार्य कर रहा है? ऐसी क्या चीज है शैतान के पास जो हमारे पास कमी नजर आती है? हेलो, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा शैतान के पास क्या है जो हमारे पास कई बार, हमेशा नहीं परंतु बहुत बार कमी महसूस लगती है, ठीक है कि नहीं? देखिए बाइबल बताती है शैतान से हमको चलाकी सीखना है, है ना? लेकिन चलाकी के साथ साथ बाइबल में लिखा है ना, कबूतर के नाई भोले और सांप की नाई चतुर भी रहो। चतुर को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? हाँ, वाइस, चलाक, ठीक है, चलाक भी बोलते हैं, ठीक है कि नहीं? तो हमको उससे वो भी सीखनी। लेकिन एक और चीज है जो आज हम देखेंगे और सीखेंगे और थोड़ी देर ध्यान और मनन करेंगे, मुझे नहीं होली स्पिरिट कैसे लेकर के जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान के पास जो सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा जो उसके पास हथियार है, वो उसके अंदर का छिपा हुआ पावर नहीं है, उसकी शक्ति नहीं है। क्योंकि आप जब यीशु के नाम को लेते हैं, चाहे मैं हूं या बहन हो या भाई हो या एक छोटा सा बच्चा हो, जब यीशु के नाम से खड़ा होता है तो सामने वाला शैतान गिर जाता है। तो उसके पावर में उतनी ताकत नहीं है, उसके पास जो सामर्थ है उसमें उतना पावर नहीं है, लेकिन उसके पास एक चीज है जो उसकी बदौलत वो सबसे ज्यादा लोगों को परास्त करता है और हराता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? और वो चीज है एकता। अपने बगल वाले को बोलो, शैतान के पास पावर नहीं है, बोलो शैतान के पास पावर नहीं है, उसके पास थोड़ा सा पावर है, उसके पास थोड़ा सा पावर, यीशु ने हरा दिया है, यीशु ने हरा दिया है, उसके पास बचा कुचा है, उसके पास बचा कुचा है, तो सिर्फ यूनिटी। हालेलुया। देखिए हम सब जानते हैं और हम सबों ने देखा भी है इस चीज को, लेकिन सच में वो एकता में काम करता है। जब हम शैतान को देखते हैं, बाइबल को देखते हैं, जहां जहां वो जिन जिन लोगों के जीवन में काम करता है, देखिए यदि हमको किसी व्यक्ति को बचाना है तो हम अकेले चले जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा दो व्यक्ति चले जाते हैं, किसी के घर में दुआ करके आते हैं, किसी के घर में प्रार्थना करके आ जाते हैं, यदि कोई दुष्ट आत्मा से ग्रस्त रहता है तो उसको छुटकारा दिला करके आते हैं, यदि एक दो लोग चले जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। लेकिन शैतान इस तरीके से काम नहीं करता, शैतान जो है वो इस तरीके से काम नहीं करता है। बाइबल बताती है, कुछ वचनों को पढ़ेंगे क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रहा जी। पहला तीमुथियुस की किताब और उसका तीसरा अध्याय, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, सॉरी, जल्दी से, हाँ तीसरा का कितना? पहला, दूसरा वचन,
दूसरा तिमोथियस तीसरा अध्याय उसका पहला वचन, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का बस, बस 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 यहां तक पढ़ना, ठीक है। देखिए, यदि हम दो वचन से लेकर के और चार वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर 18 दुष्ट आत्माएं हैं। कितनी हैं? 18 दुष्ट आत्माएं हैं जो एक व्यक्ति के जीवन में काम करती हैं। भैया वहां दुष्ट आत्मा शब्द नहीं लिखा है, लेकिन वहां पर दुष्ट आत्मा के स्वभाव जो अलग 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 स्पिरिट हैं उनके बारे में लिखा है। उनमें से एक भी प्रभु की ओर से नहीं है, ना डा प्रभु की ओर से, ना झगड़ा प्रभु की ओर से है, ना बैर प्रभु की ओर से है। वहां पर यदि आप गिनेंगे, काउंट करेंगे, तो वहां पर शैतान की टीम में जितने लोग रहते हैं उनमें से 9 × 18 लोगों को, 18 लोगों के नाम, इंडिया टीम के 11 प्लेयर होते हैं ना मैदान के ऊपर, मैदान में 11 प्लेयर होते हैं ना, तो हम देख सकते हैं कि जैसे शैतान के भी ऐसे बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनमें से 18 लोगों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं, और ये 18 लोग मिल करके एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं, ठीक है। एक दो वचन और पढ़ेंगे, उसके बाद हम इफिसियों की पत्री 6:12 में भी हम देख सकते हैं, और मत्ती 12 उसका 43-45 इफिसियों 6:12 हाँ, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। बस बस देखिए, आप और हम यहाँ समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो युद्ध है वो मांस और लहू जिसके पास है उससे नहीं है, जिसके पास मांस लहू नहीं है उससे है, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? देखिए, बाइबल बताती है शैतान इस तरीके से काम करता है, और यदि जो वचन अभी मैंने बताया मती की किताब, अभी समझ में आया कि शैतान अकेले काम नहीं करता? समझ में आया और समझ में आएगा, चलिए कैसे काम करता है शैतान। मती की किताब उसका 12 अध्याय उसका 43, 44 और 45 मती 12:43-45 मती 12:43 से, जब अशुद्ध आत्मा, एक मिनट, एक जन उत्पत्ति 11 भी निकाल करके रखेंगे, हाँ जल्दी पढ़ें वापस। जब अशुद्ध आत्मा हाँ, मनुष्य में से निकल जाती है हाँ, तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है हाँ, और पाती नहीं, तब कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी हाँ, और लौट कर उसे सूना झाड़ा बुहारा हाँ, और सजा सजाया पाती है हाँ, तब वह जाकर हाँ, अपने से और बुरी 7 आत्माओं को हाँ, अपने साथ ले आती है। ले आती, बस यहाँ रुकेंगे। अकेली गई थी और साथ में कितनी लेकर के आ रही है? कितने लोगों के लिए लेकर के आ रही है? कितने लोगों के लिए लेकर के आती? एक व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए, एक व्यक्ति के जीवन को नाश करने के लिए, एक व्यक्ति को तबाह करने के लिए ये लोग पूरा का पूरा टीम में काम करते हैं, ठीक है कि नहीं? किसमें काम करते हैं? पूरा का पूरा टीम में काम करते हैं, यूनिटी में काम करते हैं, और इनकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी चीज यही है कि ये लोग यूनिटी में काम करते हैं। हेलो, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? मैं आपके अंदर क्या डालना चाहता हूं, मैं आपके अंदर क्या बैठाना चाहता हूं कि आप शैतान को पावरफुल नहीं, परंतु शैतान के पास जो चीज है वो क्या है? यूनिटी। एक और वचन हमने उत्पत्ति किताब 11:5, 6 और 7 और एक जन निकाल के रखे मरकुस 7 उत्पत्ति 11 हाँ, उसका 5 जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे हाँ, देखिए हम सब इस कहानी को जानते हैं, और यहाँ पर लिखा है कि पुराने समय में पुराने लोग क्या कर रहे थे? एक गुम्मट बना रहे थे, और वो गुम्मट कहाँ तक जाने वाला था? कहाँ तक जाने वाला था?
स्वर्ग तक, उनका जो प्लान था, उनकी जो योजना थी वो ये थी कि हम इस धरती से ऊपर आकाश में और ऊपर स्वर्ग तक परमेश्वर के पास चढ़ जाएंगे और परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करेंगे। ये उनकी प्लानिंग थी और ये उनकी योजना थी। लेकिन बाइबिल बताती है ये योजना सही है या गलत है, बोल नहीं रहे क्या बात है, ये योजना सही है या गलत है। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों ने योजना बनाया कि हम यहाँ से ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एक गुंबक बनाते हैं और ये गुंबक सीधा परमेश्वर के पास तक जाएगा और हम परमेश्वर से आमने सामने मिलेंगे, ठीक है। तो ये योजना सही है या गलत है? गलत है। लेकिन सफल क्यों हो रही थी? यूनिटी की वजह से, एकता की वजह से। और ये इतनी ज्यादा पावरफुल थी, इतनी ज्यादा सामर्थ्य थी, उसके नीचे पढ़ेंगे। हाँ, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। देखिए, एक भक्त को देखने परमेश्वर उतर करके नहीं आ रहा है, अपने दास को देखने के लिए उतर करके नहीं आ रहा है, अपने नबी अपने बच्चों को देखने उतर करके नहीं आ रहा है, परंतु किसको देखने उतर करके आ रहा है? हेलो, अपने लोगों, उनकी यूनिटी को देखने आ रहा है। और क्या आते से क्या देखा? और यहोवा ने कहा, और यहोवा परमेश्वर ने कहा, उनके लिए कुछ शब्दों को बोल रहे हैं। हाँ, मैं क्या देखता हूँ? परमेश्वर यहोवा क्या देख रहा है कि सब एक ही दल के हैं। ये जो सब के सब है ना, क्या है? एक ही दल के हैं। एक ही दल के हैं। क्या है ये सब? एक ही दल के हैं। एक ही दल के हैं। और भाषा, बस रुकेंगे थोड़ा सा। परमेश्वर सिंहासन को छोड़ के धरती पर आ रहा है और देख क्या रहा है? उनकी यूनिटी। जब परमेश्वर ने अपने मुंह को खोला और जो शब्द उनके लिए निकले, वो क्या बोल रहा है कि मैं क्या देख रहा हूं? चर्च, आप समझ सकते हैं, वो अपने दास अपने भक्त को देखने नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रेज लॉर्ड हालेलुया कर रहे हैं और उसकी उपस्थिति को मांग रहे हैं या आराधना कर रहे हैं तो उनके लिए वो वहां पर आ गया, कोई चिन्ह चमत्कार करने के लिए आ गया। नहीं, वो उनकी यूनिटी, उनकी एकता को देखने उतर आया। हालेलुया। आगे, और भाषा भी उन सब की एक ही है। नंबर वन, उनका दल एक था। नंबर टू, उनकी भाषा भी एक ही है। उनकी आशा, उनकी क्या है? भाषा। उनकी भाषा भी एक है। और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया। उन्होंने ऐसा काम आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे, सुनिए, अब ये जो कर रहे हैं, हाँ, क्या हो जाएगा? उसमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना नहीं है। चर्च, में क्या बताना चाहता हूं आपको कि ये लोग शैतान के पास जो सबसे ज्यादा उनके पास चीज है और वो है उनकी एकजुटता, एकता काम करने की। सिर्फ पुराने नियम से ही नहीं परंतु नए नियम से भी हमने देखा। मरकुस निकाल करके रखिएगा एक जन, है ना, हमने क्या देखा? पुराने नियम से भी, नए नियम से भी, पहली चीज, शैतान अकेले काम नहीं करता, शैतान पूरी टीम के साथ करता है। और उसके कुछ नाम हमने देखे थे तीमुथियुस की पत्री में, वहां पर 18 नाम दिए गए हैं जो एक साथ एक व्यक्ति को, एक व्यक्ति के जीवन में कार्य करते हैं, उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए, उसको नाश करने के लिए। दूसरी चीज हमने देखी कि इनकी यूनिटी में इतनी पावर है कि परमेश्वर आकर के बोल रहा है, कोई दास नहीं बोल रहा है, कोई सेवक नहीं बोल रहा है कि इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यदि इसी तरीके से करते रहे, यदि इसी यूनिटी में ये लोग चलते रहे तो इनके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? एक और नए नियम में आकर के देखेंगे। मरकुस, जिसने निकाल करके रखा, मरकुस 5 उसका 7, 8 और 9 वचन, जल्दी से। मरकुस उसका 5, उसका 7वां वचन, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु। देखिए, इसकी हेडिंग से यदि हम पढ़ेंगे तो हम सब जानते हैं यहां पर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है। तीन बार क्यों बोल रहे हो भैया? क्योंकि मैं एक व्यक्ति इसलिए बताना चाह रहा हूं कि एक व्यक्ति को भी यदि नाश करने के लिए पूरी की पूरी टीम काम करती है। समझ में आ रहा है? ऊपर से यदि पहले वचन से पढ़ेंगे, लेकिन वहां नहीं पढ़ेंगे, हम यहां से पढ़ेंगे जहां से दीदी पढ़ रही। हाँ, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर, ऊंचे शब्द से चिल्ला करके कहा, हे यीशु, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे किसको? मुझे
मुझे तो से क्या काम। ये कौन बोल रहा है? एक ऐसा व्यक्ति बोल रहा है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है और दुष्ट आत्मा उसके मुख का इस्तेमाल करके बोल रही है, उसके शरीर का इस्तेमाल करके बोल रही है और कह रही है कि मुझे तुझसे क्या काम। मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, हाँ, कि मुझे पीड़ा ना दे, मुझे तकलीफ मत दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ, इस मनुष्य में से निकल जा। आगे उसने उससे पूछा, हाँ, तेरा क्या नाम है? हाँ, उसने उससे कहा, हाँ, मेरा नाम सेना है। क्या है? मेरा नाम सेना है। क्या है? सेना है। सेना है। और आगे, क्योंकि हम बहुत है। कहाँ पर बहुत है? एक व्यक्ति के अंदर जो कब्रों में, शायद कब्रों में रहता था ना, कहाँ रहता था? कब्रों में रहता था। एक व्यक्ति और उसके अंदर पूरी की पूरी सेना है। आप समझ सकते हैं चर्च, एक व्यक्ति को नाश करने के लिए शैतान पूरी की पूरी यूनिटी लगा देता है, पूरी की पूरी ताकत लगा देता है। मैं आपको शैतान के गुण नहीं गिनवा रहा हूं, बस मैं आपको बताना चाहता हूं जो हमको इससे सीखना है। परमेश्वर यूहन्ना रचित समाचार में बोलते हैं, पिता मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे मैं और तू एक हैं, वैसे ये लोग भी एक हो जाएं। ये हमारे परमेश्वर के हृदय की इच्छा है, ऐसे एक हो जाएं जैसे तू और मैं हैं। तेरा दिल मेरा दिल, तेरा मन मेरा मन, तेरी योजना मेरी योजना, तेरे काम मेरे काम। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? शैतान अपनी पूरी ताकत लगा देता है। वो यहां पर कह रहा है कि हम तो सेना है, हम सेना है और बहुत है, बहुत है। चर्च, आपको नहीं पता चलता, आपने को लगता है एक दुष्ट आत्मा है। एक बार हम लोग भेड़ाघाट के वहां पर थे और ऐसे ही आराधना ले रहे थे और वहां पर मीटिंग चल रहा था और एक भाई था जिसके अंदर जिसके पूरा गला में पूरा पट्टा बंधा था और वो मेरे बगल में बैठा था। मैं उस समय डपली बजाया करता था और डपली बजा के जब मैं आराधना कर रहा था और आराधना करते 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 अचानक से लड़की की आवाज़ में खूब चिल्लाना शुरू हो गया उसका। मैंने कहा यार मेरे बगल में तो भाई भाई लोग बैठे, लड़की कहाँ से आ गई? और जब मैंने थोड़ा सा आँख खोल करके देखा तो वो जो जेंट्स था वो लड़की की अजीब अजीब आवाज़ में निकाल रहा था। ठीक है कि नहीं? हमको नहीं पता रहता चर्च, एक व्यक्ति, अपन बोलते हैं कई बार अपन ने उसके लिए प्रार्थना किया था, छुटकारा नहीं हुआ। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? आप एक दुष्टात्मा व्यक्ति के पास जाते हैं, उस परिवार में जाते हैं, आप उसके लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाता है, आप चले जाते हैं अपने घर, वापस दूसरे दिन या तीसरे दिन चौथे दिन या वापस उस सप्ताह फिर से वैसा ही होता है, फिर वो दुष्टात्मा से ग्रस्त रहता है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बहुत बार दुष्ट आत्मा निकल जाती है, वापस जगह खाली रहती है, वापस आकर के बैठ जाती है, लेकिन बहुत बार ये भी होता है आपने जो दुष्ट आत्मा निकाला था, आपने जो छुटकारा किया था, वो एक छुटकारा था, वो एक बंधन था जो आप तोड़ करके आ गए थे, अभी पूरे बंधन तोड़ना बाकी है। हालेलुया। इसलिए आपको हार नहीं मानना है, आपको निराश नहीं होना है कि यार मैं प्रार्थना कर रहा हूं उसका छुटकारा हो रहा है, वो भाई का छुटकारा हो रहा है, वो बहन का छुटकारा हो रहा है, लेकिन दो दिन बाद फिर फोन आता है, आपने एक को कमांड करके आया था, अभी बहुत सारी बाकी हैं, 1999 अभी बाकी हैं। यहां पर कितनी थी भैया? कितने थे? 18 नहीं, यहां पर 2000 थी शायद। क्या सुअरों के झुंड में जो दो हजार ना, 2000 थी। कितनी थी? 2000 थी, सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर में। हालेलुया। अपने बगल वाले का हाथ पकड़ के बोलेंगे, आपको एक व्यक्ति को बचाने के लिए यूनिटी में काम करना जरूरी है। क्योंकि शैतान यूनिटी के साथ है। अपने बगल वाले को भी बोले आपको यूनिटी में काम करना है, एकता में काम करना है। एकता में पावर है, एकता में सामर्थ है। आपको पता है चर्च, जब आप एकता में रहते हैं ना, आपको घंटों घुटने तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप अकेले, यदि आप अकेले काम कर रहे हैं, यदि आप अकेले सेवकाई में जा रहे हैं, आपको बहुत परिश्रम करना, ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि छुटकारा नहीं होगा, लेकिन आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा चर्च। यदि आप अकेले दौड़ रहे हैं, यदि आप अकेले भाग रहे हैं, यदि आप अकेले सेवकाई कर रहे हैं, आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा।
लेकिन जब आप यूनिटी में चलते हैं, जब आप एकता में चलते हैं, कुछ अद्भुत होता है। और पूरी बाइबल हमको कुछ यूनिटी के बारे में बताती है। पहली यूनिटी, ठीक है, पहली यूनिटी जो शारीरिक यूनिटी है, दूसरी यूनिटी मन की यूनिटी, पहली यूनिटी शरीर की एकता की यूनिटी, दूसरी यूनिटी, दूसरी एकता मन की एकता की यूनिटी। ये पूरी बाइबल का निचोड़ है जो मैं बता रहा हूं, ये विशेष यूनिटी है, ठीक है, ये विशेष तीसरी यूनिटी है, आत्मा की एकता की यूनिटी। समझ में आ रहा है? पहली यूनिटी जो हमें काम करना है वो शरीर को लेकर के करना है, दूसरी यूनिटी जिसमें हमें और आपको रहना है वो यूनिटी है, कौन सी यूनिटी है? मन की यूनिटी। जैसे हम शरीर में अभी यहां पर हम लोग जितने भी लोग बैठे हुए हैं, हम लोग का क्या है अभी शरीर की यूनिटी में, लेकिन यदि मन की यूनिटी इसमें शामिल नहीं है तो हमारा बैठना बेकार है, या फिर वो यूनिटी नहीं है। यदि हम शरीर में आ गए हैं, शरीर की यूनिटी में इकट्ठे हो गए हैं और मन की यूनिटी से दूर हैं, तो हमारी यूनिटी यूनिटी नहीं है। और यदि शरीर और मन पार कर दिए हैं, शरीर में एक हो गए, मन में एक हो गए, तो अभी भी एक यूनिटी बाकी है, और वो यूनिटी है आत्मा की यूनिटी। हमें आत्मा में भी एक रहना है, हमें आत्मा में भी एक सा रहना है, हमें आत्मा में भी यूनिटी में रहना है। देखिए, जब शैतान, जिसके पास वो स्प्रिट नहीं है जो परमेश्वर देखना चाहता है, शैतान के पास वो चीजें नहीं है, शैतान के पास वो अधिकार नहीं है, वो हारा हुआ है, जब वो यूनिटी में रहकर इतना तहलका मचा सकता है, तो चर्च आप कितना विस्फोट कर सकते हैं। अभी आपने सोचा है, जब आप अकेले प्रार्थना करते हैं, आपके परिवार बदल जाते हैं, आपके दोस्त बदल जाते हैं, आपके गली मोहल्ले बदल जाते हैं, और जब आप यूनिटी में काम करेंगे, तब कितना तहलका मचेगा, तब कितना विस्फोट होगा, तब कितना भूढोल आएगा। जैसे बंदी गृह में वो पूरी की पूरी दीवारें गिर गई, जंजीरें खुल गई थी, क्या कर रहे थे वो लोग? दो ही व्यक्ति थे, बट यूनिटी में थे, दोनों का मन एक था, दोनों का शरीर एक था, दोनों की स्पिरिट एक थी, कोई एक बैठा नहीं था, दोनों बैठे थे, दोनों खंजरी बजा रहे थे, जंजीरों से ही बजा रहे थे, जंजीरों ही को पीट रहे थे, दोनों का हृदय, दोनों का शरीर और दोनों की आत्मा एक थी। क्या करके दिखाए वहां पर, क्या किए? तूफान मचा दिए। वहां पर शब्द आया है भूढोल हुआ। क्या हुआ? भूढोल हुआ, भूढोल हुआ। ये होता है चर्च जब हम और आप यूनिटी में रहते हैं, ठीक है। तो तीन यूनिटी मैंने यहां पर बताया, तीन में से सिर्फ एक के बारे में आज हम सीखेंगे। कितने लोग तैयार हैं? कौन सी वाली यूनिटी के बारे में सीखेंगे? पहला क्या है? शारीरिक यूनिटी। दूसरा क्या है? मन की यूनिटी। मन की यूनिटी, शारीरिक यूनिटी काफी नहीं है, मन की यूनिटी, मन की एकता भी बहुत जरूरी है। और सिर्फ मन की और शारीरिक की नहीं, परंतु स्पिरिट की यूनिटी भी इंपॉर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। यदि ये तीन यूनिटी को हमने पकड़ लिया, यदि ये तीन यूनिटी में मैं और आप आ गए, हालेलुया, असंभव चीज। जो वचन मैंने रिलीज किया था, प्रोफेटिकली रिलीज किया था, वो बहुत जल्द आपके जीवन में। कितने लोग तैयार हैं? ठीक है कि नहीं? जल्दी से शिव भाई आएंगे। हाल बार बाबा, जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को ले, जल्दी से शिव भाई आएंगे। हाँ। तब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी, मैं जाऊंगा जहां। कुर्सी लेकर के आएंगे एक जन, बादल कुर्सी लेकर आएंगे। तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। हाँ, किसी और में अब सांसें भी मेरी तेरी हुई है, ना जीऊंगा किसी और में अब सांसें भी मेरी तेरी हुई, मैं जाऊंगा जहां मैं तेरी रोशनी को लिए तब दुनिया देखेगी मेरी रोशनी। ठीक है कि नहीं? अपने बगल वाले को बोलो हाथ हिला के,
मैं ज्योति हूँ, मुझे लोग देखने जा रहे हैं, मुझे लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, वाह। हाँ सर, थोड़ा सा उठेंगे। लेकिन ये नहीं जाएगा। हाँ बैठ जाइए, ऊपर बैठ जाइए, लेकिन आना पड़ेगा। बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। क्या देखने जा रहे हैं हम? अभी तक समझ में आया आप लोग को? देखिए, शैतान यूनिटी में काम करता है, एकता में काम करता है, ठीक है। हमको उससे ज्यादा एकता की जरूरत है। अपने बगल वाले को बोले, हमको एकता की जरूरत है, हमको एकता की जरूरत, हमको यूनिटी की जरूरत है, हमको यूनिटी, हमको यूनिटी में काम करना है, हमको यूनिटी में काम करना है। मैं अकेला कुछ भी नहीं, मैं अकेला कुछ भी नहीं, वो बोल रहा है बगल वाला आपको, ठीक है कि नहीं? देखिए, जब परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है, एक व्यक्ति को बुलाता है, एक व्यक्ति को बुलाहट देता है, एक व्यक्ति को अपनी सेवकाई के लिए चुनता है, तो सबसे पहले परमेश्वर उसके साथ में रहता है। अभी आपको यहां पर एक जवान दिख रहे हैं, जवान है, ठीक है कि नहीं? और यहां पर क्या दिख रहा है? एक सिर के अलावा अभी कुछ दिख रहा है क्या? बाल दिख रहे हैं, अच्छा, हल्के दिख रहे हैं। चलिए, नहीं नहीं, हाँ सिर बस दिख रहा है, ठीक है कि नहीं? तो जब परमेश्वर एक व्यक्ति को बुलाता है, तो सबसे पहले उसके जीवन में जो बुलाहट देता है, और जब बुलाता है तो इस प्रकार से कुछ व्यक्ति रहता है, चाहे मैं हूं, चाहे भैया हो, रिचर्डसन हो, या सैम हो, या कोई भी हो, चाहे कोई भी प्रभु का दास हो, जब परमेश्वर उन्हें बुलाता है तो हजारों की भीड़ से ही नहीं बुलाता। जब वो काम करना देते हैं, तब परमेश्वर जब उनको सेवकाई के लिए चुनता है, और सेवकाई में जब वो खड़े होते हैं, तो वो अचानक से हजार लोगों के साथ खड़े नहीं हो जाते, 100 लोगों के साथ अचानक खड़े नहीं हो जाते, उनको समय लगता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 18, 18 से 36, समय लगता है। और तब जाकर के आज इतने सारे लोग समझ में आ रहा है, इतने सारे लोग भैया के साथ थे क्या, जब भैया को परमेश्वर ने बुलाया कि आपको चर्च की कलीसिया की स्थापना करना है? नहीं, कुछ इस प्रकार से थे, कुछ इस प्रकार से। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय निकाल के रखेंगे। कुछ इस प्रकार से था चर्च, और सिर्फ भैया ही नहीं, परंतु हर एक जन। जब हम जेल मिनिस्ट्री में थे, हम भी अकेले थे, अकेले बोस थे, कोई नहीं था। जब हम लोगों ने सेवकाई शुरू किया जवानों के बीच में, हम लोग 3 से 4 जवान थे, और जब जवानों के बीच में काम करना शुरू किया, धीरे 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 75 जवान, बैठने की जगह नहीं रहती थी, इतने जवान परमेश्वर ने दिए। उसके बाद 82, 85, 32, 37 अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूथ चल रहा है, अलग अलग मीटिंगें चल रही हैं। इकट्ठे 100 के बीच में 50 के बीच में नहीं थे, 2-2 लोग, 3-3 लोग हम लोग होल नाइट में बैठा करते थे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? मैं आपके अंदर किस चीज को डालना चाहता हूं, देखिए, यहां पर अभी ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस तरीके से बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब कुछ वचनों को पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय। अध्याय का 28 वचन पहले पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 12 उसका 28, और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। देखिए, जब परमेश्वर एक कलीसिया के निर्माण के लिए या किसी सेवकाई के लिए एक व्यक्ति को चुनता है, तो परमेश्वर इस तरीके से बुलाता है, आवाज देता है, और उसके बाद जो हम पढ़ रहे हैं वचन को, हाँ, प्रथम प्रेरित बहुत सारे लोगों को क्या करता है, नियुक्त किए हैं, नियुक्त किए हैं अलग अलग प्रकार से, किसी को प्रेरित, किसी को भविष्यवक्ता, और किसी को
प्रथम प्रेरित, पहला प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने फिर वाले, सामर्थ के काम करने फिर वाले, चंगा करने वाले, फिर चंगा करने वाले और उपकार करने वाले, फिर दोबारा उपकार करने वाले, उपकार करने वाले और प्रबंध करने वाले, प्रबंध करने वाले और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, हो गया। ये सब मिलाए हैं परमेश्वर ने, ये सब एक जगह इकट्ठा किए हैं परमेश्वर ने। बाइबल बताती है मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है। तो सबसे पहले परमेश्वर रहता है और परमेश्वर जिसको चुनता है उसके बाद उसको जब खड़ा करता है, खड़े होंगे भैया, जब उसको खड़ा करता है तो धीरे से उसके साथ किसी एक व्यक्ति का निर्माण करता है। क्या करता है? किसी एक व्यक्ति का निर्माण करता है, फिर दूसरे व्यक्ति का निर्माण करता है। जैसे अभी आपको एक हाथ दिख रहा होगा, एक पैर दिखने लगा होगा, कितने लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है? अभी थोड़ी देर पहले ये अकेले थे, अभी थोड़ी देर के बाद, अभी कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद इनके साथ हाथ से मिला के काम करने वाला, इनका सहयोग करने वाला परमेश्वर ने एक प्रेरित को, पहला क्या था दीदी? पहला प्रेरित, प्रेरित को जोड़ दिया। सबसे पहले एक प्रेरित को जोड़ दिया, उसके बाद भविष्यवक्ता, उसके बाद भविष्यवक्ता को जोड़ दिया, उसके बाद शिक्षक, शिक्षक को जोड़ दिया, और सामर्थ के काम करने वाले, और सामर्थ के काम करने वाले। बस चंगा, रुक जाएंगे थोड़ा सा ना। देखिए जितने भी लोगों को जोड़ा, अब ये कैसे दिख रहे हैं? हेलो, अब ये कैसे दिख रहे हैं? अब अच्छे दिख रहे हैं, या पहले जब इनका सिर्फ सिर दिख रहा था तब अच्छे थे? अब अच्छे दिख रहे हैं, है ना? आप अच्छे बोल रहे हैं, ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? सही में अच्छे दिख रहे हैं। एक्चुअली यदि जिस तरीके से यहाँ पर आए थे उस तरीके से यदि रोड में रात में निकल जाएं और चादर ये वाला ना हो करके काला वाला हो तो कितने लोग देख करके भागेंगे, ठीक है कि नहीं? धीरे धीरे ऐसे चल रहे हैं ओढ़ करके, इमेजिन करिए, है ना, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। कैसा लगेगा? तो परमेश्वर ने हम सबको, बाइबल बताती है कलीसिया का सिर जो है वो मसीह है, और हम मसीह के अलग 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 क्या हैं? अंग हैं। हम सब मिलकर के ही एक देह गिने जाते हैं। हाथ देह नहीं कहलाता, पैर देह नहीं कहलाता, मेरी नाक देह नहीं कहलाती, मेरा कान देह नहीं कहलाता, मेरी आंखें देह नहीं कहलाती, परंतु जब मिल जाते हैं क्या कहलाता है? देह, एक दे कहलाती है। क्या कहलाती है? एक दे, एक दे। अपने बगल वाले को बोलो, हम मिल करके ही एक दे हैं। हम मिल करके एक दे हैं। हम मिलने के बाद ही भी एक दे कहलाते हैं, एक दे कहलाते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिटी में, एकता में यदि काम करना है तो सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? हाँ नहीं, यूनिटी में तो काम करने के लिए सबसे पहले किस चीज की? एक दे की, ठीक है। तो एक दे भी ठीक है, लेकिन यदि आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको जो जानने की आवश्यकता है वो ये कि परमेश्वर ने मुझको इस कलीसिया में क्या बना करके भेजा है। अब यदि आपको मालूम रहेगा कि मेरा काम पैर वाला है तो मैं पैर वाला ही काम करूंगा ना। यदि आपको मालूम नहीं है, आपका काम तो पैर वाला है लेकिन आप हाथ वाला काम कर रहे हैं, तो चलेगा क्या? नहीं है? नहीं। आप अच्छे से कर पाएंगे क्या? नहीं, नहीं कर पाएंगे। यदि आपका काम देखने वाला है, वाच करने वाला है, लोगों को स्पिरिट को पढ़ने वाला है, अंदर उनके क्या चल रहा है ये वाला है, तो और आप यदि आंख वाला काम ना करके यदि सुनने वाला काम करेंगे तो सफलता मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो आपको यूनिटी में काम करने के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता है? आपको मालूम होना चाहिए कि आपको परमेश्वर ने इस कलीसिया में कौन से रोल दिए हैं। किसी को पैर बना दिया, किसी को हाथ बना दिया, किसी को नाक बना दिया, किसी को आंख बना दिया, और इसके अंदर भी कुछ है ना। थोड़ा सा बाहर निकालेंगे क्या सर? थोड़ा सा बस, फिर जल्दी से अंदर कर लेंगे। बाइबल में है सर, थोड़ा सा मैं निकाल दूंगा। थोड़ा सा जल्दी से, हाँ जीभ है ना,
चलो नहीं दिखा रहे हैं तो आप लोग अपनी जीभ देख लेना, ठीक है कि नहीं, वो भी है। तो आपको यदि यूनिटी में काम करना है तो आपको सबसे पहले तो आवश्यकता है कि आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा भाग कौन सा है। यदि आपको नहीं पता रहेगा, आप कुछ का कुछ करते रहेंगे और आप असफल और असफल और असफल होते रहेंगे। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? ठीक है, कितने लोग, अच्छा ठीक है, कितने लोग बाल बनना चाहते हैं? भैया के थोड़े कम है लेकिन आप लोग के तो अच्छे हैं, मेरे भी थोड़े थोड़े ठीक ठाक हैं। कितने लोग बाल बनना चाहते हैं? हाथ खड़ा करेंगे क्या? अच्छा नहीं बोल रहे हैं तो हाथ खड़ा करेंगे। कितने लोग बाल बनना चाहते हैं? भैया फंसा तो नहीं देंगे? जोसू हाथ खड़ा कर रहा, बाप रे बाप, जोसू बाल बनना चाहता है। और ऊपर रहना है, बाल बनना है ना ऊपर। सबसे पहले देखो, यहां से किसी दीदी ने बोला था, मैंने कहा कुछ दिख रहा है, तो दीदी ने गर्दन को नहीं देखा, नाक कान को नहीं देखा, लेकिन सबसे पहले बाल दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? कितने लोग बाल बनना कोई नहीं चाहता? वाह, देखिए सबकी भूमिका बहुत खतरनाक है, बहुत जबरदस्त है, क्योंकि परमेश्वर ने जोड़ा है, परमेश्वर ने ब्लेस किया है, जोड़ने को प्लस बोलते हैं ना, परमेश्वर ने प्लस किया है, इसलिए सबका रोल बहुत खतरनाक है। ठीक है, तो बाल वाले के लिए कोई तैयार नहीं है, ठीक है कि नहीं? जोसू के अलावा और कौन आया? अच्छा सैम आया, चलो लीडर बच्चे ही लोग आ रहे हैं, बड़े लोग कोई नहीं। अरे बाल नहीं, देखिए बाल सबसे पहले, बाल एक व्यक्ति के देह की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले किससे होती है? बाल से। और सबसे ज्यादा लोग ख्याल भी अपने बाल का रखते हैं। मैं आया तो मैं गीला होते हुए आया था, तो मेरे बगल में अजय था, मैंने अजय भाई बाल सही है, मैंने अजय भाई से बोला, अजय भाई देखना बाल सही दिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? और आप किसी को वाच करना, यदि वो चल फिर रहा है तो अधिकतर बाल बहुत केयर करते हैं। भैया के भी बाल हैं, ठीक है कि नहीं? लेकिन बाल की एक निर्बलता भी होती ना, हेलो, बाल की एक कमजोरी है, पता है क्या है? पता है कि नहीं? आप बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात है, जल्दी खत्म कर दें। चलिए, बाल ना सबसे ऊंचे पर तो रहता है, सामने तो रहता है, लोग उसकी केयर तो करते हैं, लेकिन सबसे निर्बल बाल है, सबसे कमजोर बाल है। मानते ही नहीं मानते, सबसे कमजोर यही है बाल, ठीक है कि नहीं? लेकिन सब समझदार हैं, कुछ ही बच्चों ने हाथ उठाया कि हम बाल बनना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? ऊपर ऊपर रहना है, ठीक है कि नहीं? हमको परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे पूंछ नहीं परंतु सिर ही बनाऊंगा, सिर के ही स्थान में रखूंगा। लेकिन मैं आपको बता, कितने लोग हाथ बनना चाहते हैं? फंसा रहे हैं भैया, जल्दी बंद करो। कितने लोग हार्ट, दिल, दिल जिसको बोलते हैं ना, कितने लोग दिल बनना चाहते हैं? दिल, हार्ट, हार्ट, हार्ट। वाह, ये ग्रेस फेथ चर्च की खासियत है, हमारे पास्टर की भी खासियत है। समझ में आ रहा है? देखिए हार्ट नजर नहीं आ रहा, कितने लोगों को नजर आ रहा है इनका हार्ट, लेकिन वो भी परमेश्वर ने फिट किया है, वो भी परमेश्वर ने इनके अंदर डाला है। लेकिन एक चीज है इसके साथ, वो नजर नहीं आएगा, वो नजर नहीं आएगा, लेकिन असली हीरो वही है, एक्चुअली असली हीरो वही है। देखिए बहुत हो सकता है, अभी कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत बार हमारे मन में रहता है कि नहीं मुझे हार्ड बनना है, मुझे सर के बाल बनना है, मुझे आंख बनना है। कितने लोग आंख बनना चाहते हैं? वाह, अजय भाई बस, अच्छा नाम नहीं लूंगा, हाथ बस उठाए। कितने लोग आंख बनना चाहते हैं? चलिए आंख भी कोई नहीं बनना चाहता, मजेदार है। चलिए देखिए, एक व्यक्ति के जीवन में एक बड़े प्रभु के दास ने सर्च किया था, उन्होंने इस चीज को बताया था कि एक व्यक्ति 60% पाप में गिरता है तो वो आंख की वजह से। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमको आंख नहीं बनना है, ठीक है कि नहीं?
तो मैं क्या बता रहा था कि हम तो चाहते हैं कि हम आंख बने, नाक बने, कान बने, बाल बने, परमेश्वर के मुख बन जाएं, परमेश्वर के हाथ बन जाएं, परमेश्वर के पैर बन जाएं, हम तो चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से हो जाएगा क्या? हमारे चाहने से हो जाएगा? एक वचन पढ़ेंगे ना, 12:18, वही वही कुरंती, पहला कुरंतियों 12:18, परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार, देखिए सचमुच परमेश्वर ने अंगों को इस देह में, इस पूरे शरीर में जिसको देह कहा जाता है, उस परमेश्वर ने इस शरीर में अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, आप भले कुछ भी चाह रहे होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने अपनी इच्छा से आपको इस कलीसिया में जोड़ा है। आमेन। आप आंध्र प्रदेश में भी हो सकते थे, आप जबलपुर के किसी और हिस्से में भी हो सकते, लेकिन इस समय आप ग्रेस फेथ चर्च में हैं। तो सबसे पहले आपको यूनिटी में काम करना है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा काम क्या है, मुझे इस चर्च में, मुझे इस संगति में परमेश्वर ने किस लिए, किस कार्य के लिए जोड़ करके रखा है। यदि आप यूनिटी में एक सफलता, एक विजय को देखना चाहते हैं, तो आपको और मुझको मालूम होना चाहिए कि मेरा भाग क्या है। दूसरी चीज, हमको अपनी इच्छा नहीं कि नहीं मेरे को परमेश्वर ने बनाया तो हाथ है, लेकिन मैं मुंह बनना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने बनाया तो मुंह है लेकिन मैं पैर बनना चाहता हूं। आपकी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। एक गीत अभी अपन लोग गाते ना, मेरे 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 जीवन में मर्जी मर्जी तेरी चले, मेरे 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 जीवन में मर्जी मर्जी तेरी चले, जिधर तू चले उधर मैं चलूं, पीछे तेरे बस पीछे चलूं। तो हमारी मर्जी नहीं चर्च, परमेश्वर जानता है आप किस चीज को, किस काम को अच्छी रीति से कर सकते हैं। आपको जरूरत है तो सिर्फ और उस चीज को समझने की और काम करने की। हेलो, क्या ये अकेले कुछ, आगे आएंगे थोड़ा सा, क्या ये अकेले सब कुछ कर सकते हैं? नहीं। यदि मैं इनसे कहूं कि भैया ये पंखा आपको यहां से यहां रखना है, या ये पुलपेट आपको यहां से यहां रखना है, थोड़ा सा करेंगे क्या? ये पुलपेट को इधर से अपने सामने रखेंगे, बस अपने सामने, अब फिर वापस यहां रखेंगे, बस वापस अपनी जगह। कितने लोगों ने देखा कि शिव भाई ने इस पुलपेट को उठा के यहां रखा, फिर वापस यहां से यहां रखा? हाथ खड़ा करेंगे, हाथ में बड़ी कंजूसी कर रहे रे बाबा, मैं लेके नहीं जाऊंगा, ठीक है कि नहीं? तो कितने लोगों ने देखा कि इधर से इधर रखा, लेकिन क्या जब तक इनका हाथ साथ नहीं देता, यदि फील करिए इनका हाथ साथ नहीं देता, मान लीजिए ये छुट्टी पे चले जाता और अब इनको बोला जाता कि भाई आप इस फुलपेट को उठा करके यहां रखिए और यहां से फिर यहां रखिए, तो थोड़ा सा प्रयास करेंगे क्या? गिराना बस नहीं है? हाथ छुट्टी पे है, हाथ आज संडे है ना, तो आज हाथ नहीं आया, सिर्फ पैर आ गया है, नाक आ गया, मुंह आ गया, हृदय भी आ गया, मन भी आ गया है, ठीक है कि नहीं? सर्व कान सब आ गया है, मैंने बोला आपने सुन लिया, आपके अंदर हृदय है करने का, यहां से यहां और यहां से यहां, या और कोई काम, सब काम करने की इच्छा है, लेकिन आपका हाथ छुट्टी पर है। हेलो, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? अभी जब ये छुट्टी पर नहीं था, तो ये दोनों हाथ जब छुट्टी पे नहीं थे, तो उठा करके आहा, बहुत आसान से, और फिर वापस बहुत आसानी से इस चीज को ये कर पाए। चलिए, अब यदि इनको यही काम दिया गया है, लेकिन एक पैर छुट्टी पर है,
एक पैर आज चर्च नहीं आया, तो आप करके देखेंगे क्या? एक पैर पीछे ऐसे मोड़िए, आहा क्या बात है, डांडिया खेल नहीं लंगड़ी खेल रहे हैं, आहा ठीक है कि नहीं? कर पाना संभव है क्या? नहीं नहीं। कब ये कर पाएंगे? कब ये कर पाएंगे? जब पैर भी आएगा, हाथ भी आएगा, हृदय भी आएगा, मन भी आएगा, सारी चीजें जब एक साथ रहेंगी तो हर एक असंभव चीज संभव होगी, हर एक काम संभव होगा, कोई भी चीज कोई भी बात नामुमकिन नहीं रहेगी। परंतु कब, कब ये संभव है, कब ये हो सकता है? जब इनके नाक कान हृदय पैर हर एक चीज अपना पूरा योगदान दें। चर्च आपको अपने योगदान को पूर्ण रीति से देना है, आपको अपने कामों को पूर्ण ईमानदारी से करना है। अगले इस संडे चर्च नहीं आते, ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी मैंने बताया कि हाथ छुट्टी पर चला गया, हेलो कैसा लग रहा है, ठीक है कि नहीं? नहीं, हम तो सबसे ज्यादा काम करते हैं, पैर नहीं है, पैर सबसे ज्यादा भागता है। तो चलिए ठीक है, बहुत बार ये आ जाता है ना कि भाई मैं यदि दौड़ूं नहीं, मैं यदि जाऊं नहीं, मैं यदि भागूं नहीं, तो हमारे अंदर पता है क्या चीज आ जाती है? मैं, कौन सी वाली आ जाती है? मैं सबसे ज्यादा वर्क कर रहा हूं, मैं सबसे ज्यादा भजन उठा रहा हूं, मैं सबसे, तो मैं। अब आप थोड़ी देर के लिए ना मान लीजिए, ठीक है उसको नहीं करते ना, ये इतना हिस्सा गायब है, ठीक है कि नहीं? अब आप पैर पैर कर रहे थे, अब आप अकेले ही सेवकाई में जाइए, अब आप अकेले ही सुसमाचार में जाइए। आप जिस परिवार में दो पैर के साथ जाएंगे ना, वो पहले आपको लात मार के भगा देगा। जल्दी पूछो कैसे? कैसे? सिर्फ पैर दे के, पैर गए हैं, सिर्फ पैर गए हैं, बाकी तो चीज नहीं गया। पैर गए, आप इमेजिन करिए कि पैर किसी परिवार में गए। अभी मान लो जब मैं गया था, ठीक है कि नहीं, तो मैं तो पूरा गया था। लेकिन यदि आप किसी परिवार में चले गए और पैर के साथ बस चले गए, ठीक है कि नहीं, वो बोलेंगे ए डंडा लेके, डंडा लेके, डंडा लेके, डंडा लेके, ए डंडा लेके, डंडा लेके, ए दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, दरवाजा बंद कर, क्यों क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया? वो देख दो पैर आ रहा है, भूत है पक्का। यीशु के लहू, और क्रिश्चियन विश्वासी लोग बोलेंगे यीशु के लहू कीजिए, यीशु के लहू कीजिए, ए यानी भाषा में प्रार्थना करो, रे कुछ भूत आ गया, कोई भूत आ गया, कोई भूत आ गया, कोई भूत आ गया। ए पैर है, देख अपने आप कैसे चल रहा है, इसके पास सर नहीं है, इसके पास धड़ नहीं है, इसके पास कुछ नहीं, सिर्फ पैर नजर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है चर, कुछ कंडीशन ऐसी रहती है। हमारे पास पैर आ गए तो हम पैर ही से काम करने भाग जाते हैं, हमारे पास हाथ आ गए, हाथ दे दिए परमेश्वर ने, हमको हाथ बना दिया तो हम हाथ ही के दम पे सेवा करने शुरू कर देते हैं, परमेश्वर ने हमको आंखें बना दिया तो अब हम आंखों ही के दम पे सेवा करना शुरू कर देते हैं। चर्च वो सेवकाई, वो मिनिस्ट्री अधूरी है। लूका रचित सुसमाचार में 9 अध्याय में, और आयत मेरे को याद नहीं है, लेकिन वहां पर एक व्यक्ति है जो अकेले काम कर रहा था, ऐसे समय में काम कर रहा था जब यीशु मसीह मौजूद थे, यीशु मसीह टीम के साथ काम कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो अकेले दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था। कितने लोगों ने उसके बारे में पढ़ा है? हाँ, मैंने भी पढ़ा है, लूका 9 ही अध्याय में, आयत मेरे को याद नहीं, लेकिन वहां पर लिखा हुआ है कि वो अकेले काम कर रहा था, अकेले सेवा कर रहा था, और यीशु मसीह चेले लोग के पास आते हैं और कहते हैं प्रभु गुरु हमने एक व्यक्ति को देखा है, वो हमारे साथ नहीं है लेकिन अकेले काम कर रहा है, और काम हो भी रहा है। देखिए चर्च, आप अकेले जाएंगे ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, काम होगा, काम होगा। छुटकारे के लिए गए हैं, छुटकारे होंगे, वहां पर हो रहे थे उस व्यक्ति के साथ। बट मैंने उस व्यक्ति के बारे में उस जगह के अलावा और कहीं नहीं पढ़ा कि वो व्यक्ति मुझे और कहीं नजर आए। हो सकता है यदि आप लोग को मिले तो मुझे मीटिंग के बाद बताइएगा। वो व्यक्ति जो अकेले सेवा कर रहा था उस जगह के अलावा, यीशु मसीह ने बोला बेटा, चेले लोग से बोला अरे कोई बात नहीं, कर रहा है ना, वो हमारा विरोधी नहीं, हमारे पक्ष में, करने दे, उसको नहीं अपनी टीम अच्छी लग रही, उसको नहीं अपनी सहभागिता अच्छी लग रही, करने दे, जान दे। लेकिन मैंने जितना बाइबल को अध्ययन किया है, मैंने दोबारा उस व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, आप अकेले काम कर रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा जाना, आपको अच्छा लग रहा होगा सेवकाई, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और उत्साहित करना चाहता हूं, अकेले मिनिस्ट्री अधूरी है। आज है कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है,
लेकिन जो यीशु के साथ यूनिटी में काम कर रहे थे, पूरा इतिहास गवाह है, पूरी दुनिया में आज तहलका मचा करके रखा है 12 प्रेरितों ने। हालेलुया, हालेलुया। ये यूनिटी की ताकत है, ये यूनिटी का पावर है। जब हम एकता में काम करते हैं ना चर्च, जब हम यूनिटी में काम करते हैं ना चर्च, हमको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अकेले आप 10 घंटे बैठोगे, लेकिन यूनिटी में आप 1 घंटे बैठ गए, आग लगा दोगे, आग लगा दोगे जहां भी जा रहे हो। यदि आप यूनिटी में नहीं बैठो 10 घंटे, नहीं करो घंटों भर प्रार्थना, लेकिन आप यूनिटी में, यदि एकता में, यदि 1 घंटे बैठ गए, आप कदम रखोगे। मैं बताना चाहता हूं, एक बार अहमदाबाद की जेल में थे और वहां पर कुछ लोग साथ में और लोग भी थे, और वहां पर वो लोग आराधना कर रहे थे, लीड कर रहे थे। लेकिन जितने लोग हम लोग यहाँ पे जब यूनिटी में प्रार्थना करके गए थे, और जैसे ही जब हम लोग को हम लोग का अवसर आया, और जब जैसे ही मंच पर उस स्टेज पर कदम रखे हैं, पूरा कुछ भी बोलने से पहले वहां सारे लोगों में हलचल मचना शुरू हो गया था, पूरा वातावरण बदल गया था। इसलिए नहीं कि अभिषेक भैया वहां पर आ गए, इसीलिए नहीं कि अजय शिव भाई लोग वहां पर आ गए, परंतु इसीलिए क्योंकि वो यूनिटी के साथ नजर आ रहे थे, वो एकता के साथ नजर आ रहे थे। आज जब आप यूनिटी और एकता के साथ काम करेंगे चर्च, आप नहीं सोच, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सोच नहीं सकते, आपकी सोच समाप्त हो जाएगी, इतनी पावर है आपको। आप जब पौलुस को जब फेंक दिया गया था ना मरा हुआ समझ करके, वहां पर मरा हुआ नहीं लिखा है, लेकिन मरा हुआ सा जान करके फेंक दिया गया था, कुछ नहीं किया था किसी ने, एक ने भी हाथ उठा करके दुआ नहीं किया, मुझे नहीं मिला बाइबल में, आपको मिले तो बताना। सिर्फ आकर के यूनिटी में खड़े हो गए, और जैसे ही वो लोग खड़े हुए ना, एक यूनिटी की स्पिरिट निकली और कार्य करी, उनके हृदय एक थे, उनका मन एक था, उनका शरीर एक था, और उस समय जो सामर्थ निकली आप सब जानते हैं, मुर्दा खड़ा हो गया, सारे दर्द गायब हो गए, सारे जख्म चले गए, जो घाव थे ना पत्थरों के वो घाव गायब हो गए, जो खून बह रहा था ना वो खून बहना बंद हो गया। कोई प्रार्थना नहीं चर्च, कोई प्रार्थना नहीं, यूनिटी, यूनिटी की ताकत, एकता की ताकत, शरीर की। मैंने 3 यूनिटी के बारे में बताया था, पहला शारीरिक यूनिटी, शारीरिक यूनिटी हमको इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देना है, इसलिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं इस चीज के ऊपर कि हमको, देखिए हम यदि ये हाथ साथ ना दे, यदि मान लीजिए जो जीभ है ना आपके सामने, एक यदि मान लीजिए एक गर्मा गर्म काली चाय आ गई, जेल में काली चाय मिलती ना, जितने लोगों ने पिया है समझ गए, ठीक है कि नहीं, घर में भी मिलती होगी, यदि वहाँ नहीं मिलती होगी तो, यदि आपके सामने गर्मा गर्म आपकी मम्मी आपकी पसली ने यदि आपके सामने लाया, और यदि थोड़ी देर के लिए ये जो जीभ है ये छुट्टी पर है, और आपने सीधा उठाया और गड़गड़ मान लिया, अंदर डाल दिया, क्या होगा? जीभ तुम छुट्टी पे गई थी बताई भी नहीं, देखो तुम यदि रहती तो मेरे को पहले हल्का सा ऐसा टच करना पड़ता तो पता चल जाता गर्म है या ठंडी है, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है। चर्च, जब तक हम यूनिटी में नहीं रहेंगे ना, तब तक शैतान को अवसर देते रहेंगे। हम सब अपने आनंद को खोज लेते हैं, हम सब अपनी खुशी को खोज लेते हैं। फिलिप्पियों की पत्री उसके 2 अध्याय के 2 वचन में लिखा है, जब हम एकता में रहते हैं ना, परमेश्वर का आनंद पूरा करते हैं। परमेश्वर का आनंद पूरा करते चर्च, हमारा आनंद हो सकता हमारे बच्चों में होगा, हमारी नौकरी में होगा, किसी को आराधना करने में अच्छा लगता होगा तो आराधना में होगा, किसी को प्रचार करने में लगता होगा तो उसका प्रचार में आनंद छिपा होगा, किसी को जेल सेविकाई में आनंद मिलता होगा तो वो जेल सेविकाई में आनंद को भरपूर हो जाता होगा और तृप्त हो जाता होगा, लेकिन आपको और मेरे को बनाने वाला परमेश्वर, उसका भी आनंद छिपा है चर्च, आपकी और मेरी यूनिटी में। वहां पर लिखा है कि मेरे आनंद को पूरा करो। हम सबके आनंद की ख्याल करते हैं, सबके आनंद के बारे में सोचते हैं, क्यों नहीं हम परमेश्वर के आनंद के बारे में आज के बाद सोचें? क्यों ना हम शारीरिक एकता को धारण कर लें? यदि हम सब मिल करके, ये जो अंग है ना परमेश्वर ने हमको जोड़ा है, यदि हम सब मिल करके यदि काम करेंगे, आपको नहीं लगता कि तहलका मच जाएगा? आपको नहीं लगता कि हलचल मच जाएगी? आपको नहीं लगता कि विस्फोट हो जाएगा? आपको नहीं हो लगता कि बुढ़ोल हो जाएगा? आप जहां जाते हैं, आप जहां सेवकाई कर रहे हैं, आप जहां भी खड़े होते हैं, आपको नहीं लगता कि कयामत आ जाएगी? वो वाली नहीं रे बाबा,
आपको नहीं लगता कि रूह के सोले बरस जाएंगे? जलाने वाले नहीं रे बाबा, कौन से वाले? अंधकार के कामों को जलाने वाले। आमेन। एक ही चीज है, आपको और मुझको यूनिटी में काम करना Amen. पड़ेगा Amen. अपने बगल वाले का हाथ पकड़ करके बोलेंगे, आपको आपको यूनिटी में काम करना है, यूनिटी में काम करना है, आपको शरीर में, आपको शरीर में, आपको शरीर की एकता की आवश्यकता है, आपको शरीर की एकता की आवश्यकता, आपको शारीरिक एकता की आवश्यकता है, आपको शारीरिक एकता की आवश्यकता है। आमेन आमेन। ठीक है, मैं बस जल्दी से टच करके वापस जाएंगे ना, दो यूनिटी और बता करके, ठीक है कि नहीं? भले उसके बारे में नहीं बताएंगे, लेकिन जल्दी से दूसरी यूनिटी कौन सी थी? मन की। हाँ, मन की यूनिटी। हाँ, दो वचन निकाल करके रख लेंगे। पहला, मन की यूनिटी के लिए हम निकालेंगे प्रेरितों के काम 4:32, और आत्मा की यूनिटी के निकाल यूनिटी के लिए निकालेंगे इफिसियों की पत्री 4:3। शारीरिक यूनिटी के लिए हमने क्या पढ़ा था? पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? चलिए पहले एक वचन पढ़ लेंगे यूनिटी, एक शारीरिक वाला, 5:31। इस पे ज्यादा देर नहीं रहेंगे हम, दो प्रेरित और इफिसियों में रहेंगे। पहले इफिसियों 5:31। हाँ, जल्दी से। इफिसियों 5:31। हाँ, इस कारण मनुष्य अपने, देखिए, मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर, माता और पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपनी पत्नी से मिला रहेगा। भैया यूनिटी छोड़ करके आप यहाँ कहाँ चले आए? पति और पत्नी के बीच में आगे लिखा है कुछ। हाँ, और वे दो लोग एक तन होंगे, मतलब शरीर में वो एक हो जाएंगे। ठीक है, आगे। यह भेद तो बड़ा है। देखिए, चर्च, पौलुस परमेश्वर का दास इस चीज को बताना और आपके अंदर डाल देना चाहता था कि देखिए, जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष वे माता पिता से अलग रह करके क्या होंगे? एक तन होंगे। यह भेद तो बड़ा है, यह भेद बड़ा है, पर मैं यहाँ अभी जो मैंने बात किया, अभी जो मैंने सिखाया, और ऊपर से यदि आप पढ़ेंगे उन सब के बारे में, अभी जो मैंने तुम्हें टीचिंग दिया, अभी जो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया, जो भी पौलुस ने दिया, आगे, पर मैं यहाँ मसीह और कल, अभी यहाँ पर मैं मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ, कलीसिया के विषय में कह रहा हूँ, एक तन होना, एक शरीर होना। पता है चर्च, बहुत बार हम निर्बल क्यों हो जाते हैं और हार क्यों जाते हैं? क्योंकि हम अपने कलीसिया को अपना भाग नहीं समझते, हम नहीं समझते कि हम भी इसके अंग हैं, हम नहीं समझते कि हमारा भी इसमें योगदान है। नहीं नहीं नहीं, वो भैया का चर्च, भैया जाने, भैया का काम जाने, सेम भैया जाने, विशाल भैया जाने, त्रिवेणी दीदी जाने, हम लोग चर्च जाएंगे, कुर्सी को बैठ जाएंगे, टुक, ठीक है कि नहीं? कई लोग तो मैंने देखा है कि एक दूसरे से मिलते भी नहीं है। मैं कई बार स्वाति से पूछता हूँ, यार वो भाई आया था, वो बहन आई थी आज? अच्छा अच्छा अच्छा, चर्च आप एक हैं, परमेश्वर ने आपको एक होने के लिए बुलाया है। जिस प्रकार एक स्त्री और पुरुष एक होते हैं, पौलुस यहाँ पर स्त्री और पुरुष के एक की बात नहीं कर रहा है, परंतु यहाँ पर वो कलीसिया, क्या लिखा है दीदी? मसीह और कलीसिया। आपको मसीह से और कलीसिया से, जिस प्रकार कलीसिया का जो सिर है वो मसीह है, उसी प्रकार कलीसिया में जो देह है वो उस देह के आपको अंग हैं, एक अंग हैं, एक निकल करके भाग नहीं सकता। गर्दन भर अगर कहीं जाएगी तो आप समझ जाइए क्या नजारा होगा, हाथ यदि जाएगा तो समझ जाइए क्या नजारा होगा। इसीलिए हमको शारीरिक एकता की जरूरत है। अपने बगल वाले को बोलो, हमें शारीरिक एकता की आवश्यकता है, शारीरिक एकता की आवश्यकता है, हमें शारीरिक यूनिटी में रहना है, शारीरिक यूनिटी में रहना है। हमें जल्दी से दूसरी यूनिटी, मन की एकता, प्रेरितों 4:32। विश्वास करने वालों की मंडली कलीसिया एक चित और एक मन की थी। एक, सब कोई बोलो, एक एक मन की। यदि रिचर्डसन के मन में कुछ चल रहा है तो शिव के मन में भी वही चलना चाहिए, उस मन में शामिल रहना चाहिए, विशाल भी उनके साथ शामिल रहना चाहिए। चर्च,
प्रेरित लोग क्यों आग लगा रहे थे, प्रेरित लोग क्यों तहलका मचा रहे थे, क्योंकि उनका आगे पढ़ेंगे उसी को, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति को अपनी चीज को अपनी नहीं कहता था। कोई भी अपनी कार को अपनी कार नहीं कहता था, कोई भी अपनी गाड़ी को, कोई भी अपनी बाइक को अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। सब कुछ साझे में था। क्या था? साझे में था। एक और बार पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वालों की जो मंडली थी, एक चित और एक मन की, एक चित की थी, एक मन की थी, यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति, देखिए थोड़ा सा रुकेंगे, एक मन के बारे में बताना चाहता हूं। एक मन कैसे हुआ जाता है, कितने लोग जानना चाहते हैं? बस जल्दी से 2-3 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है? कैसे एक मन हुआ जाता है? यदि शिव भाई ने कोई योजना बनाई कि नहीं भैया, हम सुबह 3 बजे से प्रार्थना करेंगे, या शिव भाई ने योजना बनाई हम जेल में जाने से पहले 5 घंटा बैठेंगे, या रिचर्डसन ने योजना बनाई कि नहीं अब आज से सारा युद्ध 3 बजे 4 बजे 4:30 बजे बैठेगा और भोर की प्रार्थना करेगा, ये भैया के मन में आया, ये शिव भाई के मन में आया, तो यदि हम उनके मन के अनुसार उनके मन में अपने सहभागिता को देते हैं तो वो एक मन कहलाएगा। यदि हमें डाउट होता है, नहीं नहीं यार सुबह कौन उठेगा, नहीं यार जेल में जाना है, हर बार तो जाते हैं और काम होता है, अरे क्या करना 5 घंटे बैठने से, अरे क्या करना बोर की, अरे उनको प्रभु ने मन में डाला तो वो करें, एक मन नहीं है चर्च, यूनिटी नहीं है चर्च। हो सकता है शरीर में आप जेल में नजर आओ लेकिन मन की यूनिटी नहीं है, क्योंकि मन में सहभागिता नहीं है आपकी। कब आपका शरीर और मन की यूनिटी रहेगी? जब इनके मन में जो आया, इनको परमेश्वर ने जो चीज को डाला, वही चीज जब उन्होंने आपसे बांटा तो आप उनके मन में एक मन हो गए। आमेन। आपने उनका आदर किया। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आपको अपने बगल वाले को बोलो, आपको मन की यूनिटी में रहना है, मन की यूनिटी में रहना, शरीर के साथ साथ मन की यूनिटी भी जरूरी है, मन की यूनिटी भी जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी साझे में नहीं था। देखिए चर्च, जब तक एक व्यक्ति के जीवन में मैं रहता है ना, वहां पर यूनिटी नहीं रहती। जब तक एक व्यक्ति मैं करके काम करता है, मेरा चर्च, मेरा पुलपिट, मेरा ये, मेरा माइक, मेरा साउंड, मेरा ये, मेरी गाड़ी, मेरी ये बाइक, मेरी ये कार, मेरा, जब तक एक व्यक्ति मेरा करके सेवकाई को करता है, मेरा करके मिनिस्ट्री को करता है, तब तक उसके जीवन में यूनिटी की स्पिरिट काम नहीं करती। लेकिन जब मेरा से हमारे में बदल जाते हैं, जिस दिन एक व्यक्ति, जिस दिन एक भाई, जिस दिन एक बहन मेरे से हमारे में बदल जाती है, जिस दिन, जब तक ग्रेस फेथ चर्च था, आपने देखे ना ग्रेस फेथ चर्च है ना, अब क्या ना है, ग्रेस फेथ फैमिली चर्च। फैमिली जब शब्द सुनते हैं तो कैसा लगता है? नहीं यार अपना है, हमारा है। आमेन। क्या बात है, नहीं अच्छा नाम नहीं है ग्रेस फेथ फैमिली चर्च, फिर से ग्रेस फेथ रखवा दें, हैं? ग्रेस फेथ फैमिली कैसा लगता है? अपना सा लगता है। Amen. अपना लगता है। Amen. नहीं हम फैमिली हैं। अपने बगल वाले को हाथ पकड़ करके बोलो, आप फैमिली हैं, आप ग्रेस फेथ चर्च की फैमिली हैं, आप एक हैं, आप एक हैं। चर्च, हमारा शरीर के साथ साथ हमारा मन भी एक होना चाहिए। हमें शरीर की यूनिटी के साथ साथ आत्मा की यूनिटी में भी एक रहना है और एकता को दिखाना है। ठीक है, जल्दी से आगे। तीसरी, आत्मा की एकता, इफिसियों की पत्री 4:3, बस जल्दी से 2 मिनट में खत्म करेंगे, बंद कर देता हूँ। इफिसियों 4:3, उसका 3, हाँ। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। फिर से पढ़ेंगे। और मेल के बंधन में मेल
बंधन में आत्मा की एकता आत्मा सब कोई बोलो आत्मा की एकता आत्मा की एकता आत्मा की एकता आत्मा की आत्मा की यूनिटी आत्मा की यूनिटी हाँ रखने का यत्न करो। यत्न करने का मतलब यत्न को दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं? प्रयास। बिल्कुल सही, प्रयास शब्द अच्छा लगता है। हाँ, प्रयास पढ़ेंगे उसकी जगह। हाँ। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता आत्मा की एकता रखने का प्रयास करो। देखिए चर्च, शरीर में एक हो जाना, शरीर में यूनिटी में रहना काफी नहीं है, मन की यूनिटी काफी नहीं है, आपको आत्मा में भी एक होना है। आमेन। आत्मा में भी एक कैसे हो सकते हैं भैया? आत्मा में भी हम एक हो सकते हैं? हाँ, हम आत्मा में भी एक हो सकते हैं, हम आत्मा में भी यूनिटी में रह सकते हैं, हम आत्मा में भी एकता में रह सकते हैं, आत्मा में भी एक साथ चल सकते हैं, एक साथ बोल सकते हैं, एक साथ देख सकते हैं, एक साथ सुन सकते हैं, एक साथ सिखा सकते हैं। Amen. यदि आप यूनिटी में हैं, बहुत बार ऐसा होता है हम सुबह स्टडी करते हैं और शाम को, बहुत बार जोसु और उसकी माँ गवाह है, बहुत बार जो चीजों को हमने सुबह स्टडी में बाइबल स्टडी में सीखा है वही चीज को वही बात को डॉक्टर रामोस सिंह बता रहे हैं और मैं मुस्कुराने लगता हूं और ये लोग बोलते हैं अरे देखो तुम भी, अपन को भी सुबह यही मिल रहा था, अभी ये भी वही बता रहे हैं। बहुत बार भैया यहां पर सिखाते हैं वही चीज, परमेश्वर हमको कहीं और से भी सिखाता है। बहुत बार हम कुछ चीजों को बताते हैं या सिखा करके आते हैं और जब यहां पर आते हैं वही चीज भैया बोलते रहते हैं, भैया सिखाते रहते हैं। एक दो बार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बहुत बार शिव भाई के अंदर गीत चलता रहता है कि आज ये गीत गाना है और आज मैं सोच के चल रहा हूँ कि ये गीत गाना है, लेकिन भैया माइक पकड़ लिए हैं, भैया गीत गा रहे हैं, लेकिन जब आत्मा में एक रहते हैं ना तो जो ये गीत सोच करके आए थे वही गीत इन होठों से निकलने लगता है। आमें, आमें, जब आमें। आप आत्मा में चलते हैं, जब आप आत्मा में देखते हैं, जब आप आत्मा में एक रहते हैं, ये चीजें होने लगती हैं चर्च। आप सोचते हैं कि मेरे को ये वचन प्रचार करना, ये वचन की आवश्यकता है यहाँ पर उस परिवार में, अचानक से देखना जो उस स्पिरिट में एक होगा, आप जिसके साथ आत्मा में होंगे वही चीज वही बातें वही शब्द आपको वहीं पर सुनने मिल जाएंगे। आमें, आमें। जब आप आत्मा में रहेंगे, जब आप आत्मा की यूनिटी में रहेंगे, अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। लब रमा माशा का दगला रबा अनि दना मशुलो लबो अल्लाह तला सनाम री कतारी दगदला हल बला। थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करें। लम लमा शिल दे अलो ब्रद मा सिखी रडो रिडे अल दल लमा शकत लबा। आइए थोड़ी देर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। इस समय हम यूनिटी के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, इस समय हम यूनिटी की स्पिरिट को रिलीज करने जा रहे हैं। लब रमा माशे के ते गिरे ओ बीबी ओ जनग दर दर हर एक जन रे बेबी अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुकाएं। हो सकता है कि आप अकेले काम कर रहे होंगे, हो सकता है अकेले चिन्ह चमत्कार हो रहे होंगे, लेकिन बाइबल बताती है, इतिहास गवाह है, अकेला व्यक्ति गिर जाता है उसको उठाने वाला कोई नहीं रहता। लब्रो मिशा खदा लरबा लेब्रे बेबे देगे रे बेबे। ओ यदि जरा सा भी आज परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बात किया है, इस समय अंगीकार करें। रिबोन त्रोबोबो ओ जबलबा माशल। आप चर्च यूं ही इस दरवाजे के अंदर नहीं आ गए हैं, आप यूं ही ग्रेस फेथ फैमिली चर्च से नहीं जुड़ गए हैं। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की योजना है। पहला कुरिन्थियों 12:18 वचन बताता है परमेश्वर ने अपनी इच्छा को जाहिर किया है आपको इस दरवाजे के अंदर लाने में। आपको अपने योगदान को करना है, आपको अपने तरफ से पूरी वफादारी के साथ काम करना है चर्च। उसका वचन कहता है तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। चर्च हम अकेले ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते, हम अकेले ज्यादा दिन तक सेवकाई को नहीं कर सकते, हम अकेले ज्यादा देर तक नहीं दौड़ सकते। आज परमेश्वर चाहता है मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा भाई मेरी बहन मेरे आनंद को पूरा कर दे। फिलिप्पियों 2
मेरे आनंद को पूरा कर दे। क्या आप उसके आनंद को पूरा करना चाहते, जो आपके छोटे बड़े आनंद को पूरा करता है, जो आपकी छोटी बड़ी समस्याओं को, छोटी बड़ी जरूरत को, आवश्यकता को पूरी करता है, आपको छोटी बड़ी खुशी देता है, क्या आप उसके आनंद को पूरा करेंगे? उसका आनंद और कुछ नहीं चर्च, एकता है, यूनिटी है। आमें। वो कहता है चिल्लाते हुए, रोते हुए, दर्द भरी आवाज में कहता है, यदि मसीह यीशु में कुछ है तो मेरे आनंद को पूरा करो। मेरे आनंद को पूरा करो। आज वो आपसे अपेक्षा करता है चर्च, मेरे आनंद को पूरा करो। और उसका आनंद तब पूरा होगा जब हम यूनिटी में काम करेंगे। उसका आनंद तब पूरा होगा जब हम मेल कार्य करेंगे। हम अकेले नहीं भागेंगे, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे। स्वीकार करें, यदि आप इस समय स्वीकार करें। लब्रोमा शिखिली रखा तेरी हाला रबा बाबा। मैं अंडों को देख रहा हूं, अंडों को, मुर्गी के अंडों को। एक व्यक्ति मुर्गी के अंडे लेकर के जा रहा है। अचानक से एक पन्नी में लेकर के जा रहा है, एक पन्नी में, एक पॉलिथिन में अंडे हैं, अंडे लेकर के जा रहा है, कच्चे अंडे को लेकर के जा रहा है, बहुत सारे अंडे। लम रमा शिखिली रबा बाबा शर। अचानक से उस अंडे की थैली में, अंडे की पॉलिथिन में ठोकर लग जाती है और वो पन्नी उस व्यक्ति के हाथ से नीचे गिर रही थी और उस पन्नी को वो उठाता और चर्च जैसे वो घर जाता है, पन्नी को खोलता है, टूट करके पानी जैसा बन चुके हैं, पानी की तरह बन चुके हैं टूट करके। लेकिन अभी भी कुछ अंडे थे जो नहीं टूटे थे, अभी भी कुछ अंडे थे जो वैसे ही कड़े थे, बच गए थे। चर्च, टूटने में जीवन है, टूटने में जीवन है। टूटना, जब हम टूट जाते ना, परमेश्वर हमें बनाता है। जब हम खाली हो जाते हैं ना, परमेश्वर हमें भरता है। जब हम सरेंडर हो जाते हैं ना, सरेंडर कर देते हैं, परमेश्वर हमें तमाम उन चीजों से भर देता है, लाद देता है। चर्च, इस समय है हम स्वीकार करें। प्रभु, हमने बहुत अकेले दौड़ लिया, बहुत अकेले भाग लिया, लेकिन आज आपने मुझसे बात किया है। अब मैं अकेले नहीं यूनिटी में भागूंगा, अब मैं अकेले नहीं परंतु एकता में काम करूंगा। और सिर्फ शारीरिक यूनिटी नहीं, और सिर्फ शारीरिक एकता नहीं, शारीरिक एकता, मन की एकता, आत्मा की एकता, इन तीनों एकता में मैं काम करूंगा। पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। जितने लोग इस समय अंगीकार कर रहे हैं, अपने मुख से बोल रहे हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से मैं घोषणा करता हूं, प्रभु आपका दास होने के नाते आज के बाद इनका स्टाइल बदल जाए, आज के बाद इनका जीवन बदल जाए, आज के बाद इनकी सेविकाएं बदल जाए, आज के बाद यह अकेले नहीं परंतु यूनिटी में नजर आने पाए। और सिर्फ शारीरिक यूनिटी नहीं, शारीरिक यूनिटी दिखावटी यूनिटी होती है, लेकिन मन की यूनिटी, आत्मा की यूनिटी में नजर आने पाए। आपकी स्तुति करते हैं यीशु नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आगे का समय भैया के। हालेलुया रब्बा बाबा बाबा बाबा। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। रिबान से के तेरे रे अब्राना खासी का जाना मसो छोरो हाल बला। एक वचन है, एमन, भैया ने बहुत ही
अच्छे तरीके से हम लोगों को समझाया। कलीसिया प्रेरितों की शिक्षा में बढ़ती चले गई। हालेलुया। सिर्फ भविष्यवाणियों में नहीं, सिर्फ प्रॉमिस वर्ड पे ही नहीं, वो जरूरी है, भविष्यवाणियां भी जरूरी है। ऐसा नहीं कि हम उसको नीचा कर रहे हैं, प्रोफेटिक वर्ड भी जरूरी है, लेकिन लोग प्रेरितों से शिक्षा पाने में लवलीन थे, विश्वास बढ़ते जा रहा था और वो गिनती में बढ़ते जा रहे थे। हालेलुया। विश्वास में बढ़ते जा रहे थे और वो गिनती में बढ़ते जा रहे थे। और एक वचन जो मुझे बहुत पसंद है, बाइबल कहती है कि जहां दो या तीन मेरे नाम से उपस्थित होते हैं, वहां पर यीशु मसीह स्वयं उपस्थित होता है। सिर्फ यही नहीं, बाइबल ये भी कहती है जहां दो लोग एक चित्त और एक मन होकर के मुझसे कुछ भी प्रार्थना करेंगे, वह मेरे पिता की ओर से पूरी हो जाएगी। इसलिए हमें लोगों की जरूरत है। आमेन, हालेलुया। इसलिए हमें लोगों की जरूरत। इवन यीशु मसीह भी अकेला व्यक्ति नहीं था। यीशु मसीह ये नहीं बोला कि फादर इज माय लीडर। आमेन। यीशु मसीह को भी टीम की जरूरत थी। आमेन। कहीं पे आप चेले होंगे, कहीं पे आप यीशु मसीह होंगे। हालेलुया। कुछ लोगों के लिए आप यीशु मसीह होंगे, उनको गाइड कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए आप चेले होंगे। आमेन। और एक वचन से मैं ब्लेस करना चाहूंगा। हम सब निकालेंगे सबोपदेशक अध्याय 4:12। हो इसमें लिखा है, एक मैं एक बार थोड़ा सा समय ले लूं चर्चा आप लोगों का। आपको पता है शेर राजा की होता है और टाइगर राजा नहीं रहता। शेर मतलब बब्बर शेर की बात कर रहा हूं, जो भारी भड़कम रहते, येलो कलर के रहते हैं, पीले कलर के रहते हैं, उतने पीले भी नहीं रहते हैं, गेहूं के कलर के रहते हैं। बोलो गेहूं। गेहूं देखें किसी ने? गेहूं के कलर के शेर रहते हैं, उसको बोलते हैं बब्बर शेर ना। और बाघ को बोलते हैं टाइगर। बोलो टाइगर, है ना। मध्य प्रदेश में ज्यादा टाइगर है। हालेलुया, है ना। और ये टाइगर जो है ना, ये टाइगर शेर से, ये बाघ शेर से तेज भागता है, पेड़ों पे चढ़ जाता है, शिकार जल्दी करता है और बहुत तेजी दिखाता है। आमेन। लेकिन फिर भी टाइगर जंगल का राजा नहीं है, बब्बर शेर जंगल का राजा है। क्यों? क्योंकि टाइगर झुंड में नहीं चलता, शेर झुंड में चलता है। हालेलुया। सिर्फ यही नहीं, और क्यों? टाइगर जल्दी मर जाता है, शेर जल्दी नहीं मरता। क्यों? क्योंकि शेरों का मानना ऐसा है, जब वो झुंड में रहते तो झुंड में शिकार करते हैं, उनकी पत्नियां शिकार करती हैं, वो लोग खाते हैं, वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन टाइगर अकेले शिकार करता है, वो झुंड में शिकार नहीं करता। इसीलिए जब टाइगर बूढ़ा हो जाता है या उसको चोट लगती है तो वो भूखा मर जाता है। लेकिन वहीं पे शेर को अगर चोट लगती है, शेर अगर बूढ़ा हो रहा है, तो दूसरे झुंड के लोग उसके लिए खाना लेकर के आते हैं। हालेलुया। बोलो हमें एक दूसरे की जरूरत है। इसीलिए शेर जंगल का राजा है। हालेलुया। आमेन। आमेन। जबकि सबसे तेज बाघ है, सुंदर दिखने में भी है। और एक और चीज, बाघ ना, बाघ अपने बच्चों के साथ बड़ा हो जाता ना, उसके बाद ना उन लोग अपना एरिया बांट लेते हैं, और उनका एरिया रहता है 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या हो सकता है उससे ज्यादा होगा। उसके बाद दूसरे बाघ का टेरिटरी रहता है और वो अपने अपने अंदर में आने नहीं देता टेरिटरी में, और शिकार वहीं करता है। लेकिन शेर का टेरिटरी 5-10 किलोमीटर नहीं रहता है, 400-500-200 किलोमीटर रहता है। हालेलुया। क्योंकि वो झुंड में काम करते हैं। आमेन। और एक बार डिस्कवरी को मैं देख रहा था, डिस्कवरी में मैं देख रहा था कि एक शेर, बब्बर शेर अकेला है और कुत्ते, जंगली कुत्ते उसको घेर के मार रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहा है। बब्बर शेर होने के बावजूद, राजा होने के बावजूद और एक एपोस्टल होने के बावजूद वो शेर कुछ नहीं कर पा रहा है, और पूरे कुत्ते, लोमड़ियां उसको काट रही है, उसके अंदर से खून निकल रहा है। उतने वीडियो में मैंने क्या देखा, दूसरा शेर दौड़ते हुए आ रहा है। यहां पे 25-50 हैं, ये कुत्ते 25-50 थे। एक वीडियो होगा जरूर, मैं
ग्रुप में जरूर डालूंगा अगर मुझे मिलता है तो। 25-50 कुत्ते थे पूरे घेर के उसको मार रहे थे, उसके पीछे भाग रहे थे और वो शेर हाँ हाँ कर रहा, ऐसे कर रहा, यहां से कोई पकड़ रहा। इतने में दूसरा शेर दौड़ते हुए आ रहा था, जैसे ही वो उसके पास आया ना ये सारे कुत्ते भागने लगे। There is power in unity। और एक वचन से मैं आप लोगों को ब्लेस करूंगा, उसमें लिखा हुआ है सबोपदेशक 4:12 में यहां पे लिखा है, यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु दो उसका सामना कर सकेंगे। यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, पर दो लोग उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 लोगों से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पति पत्नी यूनिटी में हनन्या सफीरा जैसे, ठीक है आप लोग सामना कर लेंगे, लेकिन जब आप अपने लीडर को अपने साथ जोड़ लेते हो अपने रिश्ते में, अब अपने अपने चर्च को जोड़ लेते हैं आप अपने रिश्ते में, आमेन, और आप जब जुड़ जाते हो कोई तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। शैतान का काम है यूनिटी को तोड़ना, आमेन, लेकिन परमेश्वर यूनिटी का परमेश्वर है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। लापराखा भैया ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, आमेन, भैया ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया। और भी हमारे बीच में लोग हैं जो आने वाले दिनों में शिक्षाओं को देंगे, आमेन, और कलीसिया पीड़ितों की शिक्षा में विश्वास में बढ़ती चले जाएगी। हालेलुया। ये प्रभु भोज का समय है और हम प्रभु भोज में भी जाएंगे, आमेन। चंदरा मा 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 जेठाना मा मा बाबा बो रोसो टोलो। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी यूनिटी मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी यूनिटी मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, और आज यीशु मसीह कह रहा है जैसे मैं और मेरे पिता एक यूनिटी में हैं, मैं अपनी यूनिटी तुम्हें देता हूं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी यूनिटी मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। मेरी यूनिटी मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की लाब्रांदा लाब्रा ओ रिबे से ठेरे रे। आइए हम इस रोटी को उठाएंगे। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूं, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूंगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया,
आज भी मैं करने के योग्य हूँ। प्रभु आपको कह रहा है, प्रभु रास्ते का खोलने वाला परमेश्वर नहीं, रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। जब हम प्रभु बोझ में जा रहे हैं, हमारी आशा यीशु मसीह पे है, हम एक चित और मन होकर के बोलते प्रभु जी हमारे सबों के जीवन में एक बड़ा द्वार खोलना चाह रहा है लॉर्ड, और वो द्वार से हम लोग आपकी महिमा करते हुए जाएंगे। आमेन। अब इस रोटी को जब हमने उठाए, हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता हम धन्यवाद देते हैं चर्च में जो भी बीमार है वो इस वक्त चंगा होने पाए, बहन अर्चना चंगी होने पाए यीशु के नाम से। जितने लोग किसी न किसी को मन में रखे हैं लॉर्ड, वो लोग चंगे होने पाए, पूर्ण छुटकारा पाने पाए। पिता आपका वचन कहता है कि जो मेरा मांस खाता है, मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहेगा और मैं उसमें स्थिर बना रहूंगा। ये हम कलीसिया का विश्वास है कि जब हम तेरे मांस और लहू में सहभागी हो रहे हैं, जब हम तेरी देह को ग्रहण कर रहे हैं, हम आप में स्थिर बने रहेंगे और आप हम में स्थिर बने रहेंगे। कलीसिया आप में स्थिर बनी रहेगी और आप कलीसिया में स्थिर बने रहेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपने हमारे लिए बलिदान किया। आइए उस क्रूस को याद करें कि प्रभु ने 2000 साल पहले आपके पापों की माफ़ी के लिए लहू को बहाया है, और उसको याद करें और धन्यवाद के साथ इसको तोड़ेंगे और खाएंगे। ओ रमा शानदारी आंदा शानदारे रे 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 रे। आइए उस लहू को हम उठाएंगे। हो लहू जो यीशु के बदन से बहता है, तुझसे मुझसे कहता है। चर्च बाइबल कहती है कि लहू में आवाज है। जब हाबिल का लहू बहा तो परमेश्वर कहता है केन, हाबिल का लहू मुझे पुकार रहा है। और आज जब हम यीशु मसीह के लहू में सहभागी हो रहे हैं तो परमेश्वर के सामने यीशु मसीह का लहू चिल्ला कर कह रहा है कि ये मेरे लोग हैं, इन्हें बचाए गए हुए लोग हैं, ये छुटकारा पाए हुए लोग हैं, इनमें कोई भी गलत चीज नहीं है, इनके लिए मैंने जान दी है। और चाहे जब हम इस लहू में सहभागी हो रहे हैं तो ये लहू चिल्ला करके कह रहा है बीमारियां दूर हो जाओ, दुष्ट आत्मा दूर हो जाओ। वो रभा खा लामाना। पिता हम धन्यवाद देते हैं, तेरे लहू को हम अपने ऊपर अपने शरीरों पे लगाते हैं, हमारे विवेक से विवेक में आपके लहू से हमें शुद्ध करें। जब हम इस लहू को पीते तो ये नई वाचा का लहू है और ये वाचा आपने हमें सदा से बांधी है। प्रभु जी आप हमारे साथ में रहेंगे, हमारे अंदर में रहेंगे यीशु के नाम से। मेरी महिमा जबलपुर देखेगा, ग्रेस वे चर्च अपने हाथों को दे दे। मेरी महिमा जबलपुर देखेगा, ग्रेस वे मुझे हाथों में दे दे। अपनी यूनिटी मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। परमेश्वर की यूनिटी मैं तुझको देता हूँ, चलाऊंगा हर दिन मेरी कृपा में। चर्च प्रभु आपकी चिंता करता है। आमेन। कितने लोग तैयार है खाली होने के लिए? आमेन। हालेलुया। ये समय है खाली होने का। आमेन। हालेलुया। ये समय है खाली होने का। आपके पास जो भी भेंट है, दसवांश है, ऑफरिंग है, फर्स्ट फ्रूट है, आप निकाल सकते हैं। और मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में से हम एक व्यक्ति को रखेंगे जो बोलेगा, जो बताएगा प्रभु के वचन से देने की आशीष के बारे में। आमेन। बहुत जल्दी, और आप सब जानते हैं देने की आशीष क्या है। आमेन। देने की आशीष हम जानते हैं, लेने से भला देना है। आमेन। आमेन। एंड आई प्रोफेसाई आप लोगों को उधार बांटोगे, आप लोगों को दोगे। Amen, amen। कुड़कुड़ मत करना प्रभु, क्या प्रभु सबको दे रहा हूँ मैं। प्रेज गॉड, आप ले नहीं रहे हैं, आप दे रहे हैं। Amen। ये समय था, इतने समय तक आप लेने की सोचते थे, ये समय रहेगा लोगों को आप देने वाले बनेंगे। Amen। अगर आप एनी की गवाही को सुनेंगे तो एनी की बहुत ज़बरदस्त गवाही है, लेकिन अगले हफ्ते सुन लेंगे। Amen। Amen। किस तरह से प्रभु ने उसके जीवन में काम किया जब वो बोना चालू करी। और वो मेरी बहन है, लेकिन मैं उसको बोलता था ए तू चर्च में नहीं बोएगी अपना दसवां दसवांश। मैंने उसको कुछ लोगों का नाम बता के रखा था, इसको बो दे, उसको बो दे, इसको बो दे, लेकिन हम तेरे को सिखाना चाहते हैं, हम लोग तेरे को सिखाना चाहते हैं
तो हमने बोले कि तू इसको डाल दे, उसको डाल दे, उसको भेंट दे दे, इसको भेंट दे दे। आमेन, ऐसा चलता अपने यहाँ, ठीक है ना? पैसे के पीछे हम नहीं भागते, पैसा हमारे पीछे भागता है। बस ट्रिक होना चाहिए कैसे आएगा वो देने से। आमेन। और उसके बाद वो देना चालू करी, कहीं कहीं हम लोगों ने उससे जबरदस्ती दिलवाए, एक देना है, है ना, छोटा मोटा नहीं, ज़्यादा देना है। आमेन। हम लोग देते, उसको दिखाता था, देख मैंने इतना शो किया हूँ। हम लोग का कॉम्पिटिशन होता है, तूने कितना बोया, मैंने कितना बोया। आमेन। जब बराका की मीटिंग चलती ना, तो खटाक से जब मैं बोलता, मैंने कहा हाँ तेरा कितना था दिल आज, तेरा कितना बड़ा दिल था। आमेन। बोलती मैंने इतना डाली हूँ, मैंने बोला अच्छा ये देख, मतलब उत्साहित होते। तो हम लोग उसको सिखा रहे थे, डेढ़ साल पहले उसको लोगों से 100-100 रुपये लेना पड़ता था, लेकिन अभी जब से वो देना चालू करी है, ये लोगों से लेती नहीं है, लोगों को देती है। आमेन। अब अपन को मांगना नहीं उससे, ठीक है ना अपन को परमेश्वर के राज में देना। आमेन। वो प्रिंसिपल मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। आमेन। आप बोगे, आप काटोगे। आमेन। तो कितने लोग तैयार हैं? बाइबल कहती है हर कोई अपने मन में ठान ले कि कैसा दान करे। प्रभु आपको नहीं बताएगा प्रभु कितना दूं। पहले मैं सोचता था प्रभु आप बताओ ना मैं कितना दूं, लेकिन जब मैंने ये वचन पढ़ा हर एक व्यक्ति अपने मन में ठान ले वैसा ही वो दान करे। जो आपने ठाना है वो आपका उत्साह है। हालेलुया। आप उत्साहित से बोइए। आमेन। आइए अपने जो ठाना है उसको हम अपनी मुट्ठी में ले। प्रभु एज अ मैन ऑफ गॉड बेरेंडम एनी बंद हो गया वो बेनेट अब बंद हो गया ना बोल सकता हूँ ना मैं बेनेटा। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे बर्थडे में बहुत ब्लेस किया, बहुत रुलाया।